वो सवाल नहीं, मेरा सवाल, अच्छा तो फिर मैं शायद भूल गई आपसे पूछना, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था। अच्छा मुझे लगा मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन जवाब मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैं, अच्छा मेरे दिमाग में ये सवाल आया, आपने कहा वॉन्डरर्स होते हैं, ठीक है, अब हाँ वॉन्डरर्स जो हैं वो आपने कहा फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डेंसिटी या सिक्स डेंसिटी से आते हैं, तो हाँ ये वाले जन्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, तो क्या मैं फोर्थ फिफ्थ या सिक्स से आई हूं, या मैं फोर्थ फिफ्थ या सिक्स से बहुत हजारों साल पहले आई थी और बहुत सारी जिंदगियां जी चुकी हूं, और ये जिंदगी बहुत सारे, मतलब अपने क्या कहते कर्म जो भी है, कर्म बैलेंस, कर्मा का बैलेंस मैं क्रिएट कर चुकी हूँ इतनी सारी जिंदगियों में, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वॉन्डरर्स जो होते हैं वो फोर्थ डेंसिटी से आके एक जिंदगी जी के लोगों को हेल्प करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी कम से कम मेरे ख्याल से 8 जिंदगियां तो मैं देख चुकी हूँ। तो फिर मैं तो पिछले कुछ हजारों साल से यही थी धरती पे, तो फिर वॉन्डरर, मतलब मुझे ये थोड़ा सा समझाओ। देखो मैम, वॉन्डरर्स जो होते हैं ना, अपनी प्रोग्रेस करते करते आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम आते ही रहते हैं यहाँ पर ना, हेल्प करने के लिए। जैसे हो सकता है आपकी प्रीवियस लाइफ साइकिल्स में भी आप हेल्प करने के लिए आए हो, और इस वक्त आप वो बताए ना उसने सीनियोरिटी वाले लेवल पे हो कि अब आपकी प्रोग्रेस आगे हो जाए फर्दर नेक्स्ट डेंसिटी में दोबारा जाने के लिए। लेकिन इसमें ये चीज भी है कि अगर आप वॉन्डरर हो ना, तो वॉन्डरर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो इस प्लेनेट पे आके अगर फंस गए इसके माया जाल में, तो ये भी हो सकता है कि वो रिपीट मार जाएंगे। ये भी रिस्क रहता है वॉन्डरर्स को। अच्छा तो वो मैं रिपीट, तो खैर मैंने 8-10 जो भी लाइफ देखी है, अब 8-10 अगर, 8 अगर मैंने देखी है तो होंगी कम से कम 100-200 और, तो रिपीट का तो खैर नहीं आपने क्या पता। रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है कि? हाँ, अच्छा, ओके ओके रिकॉर्डिंग मैं वो शुरू कर रही थी ना सेशन, फिर एकदम से मुझे ओके याद ओके आया कि मैंने वॉन्डरर्स वाला सवाल पता नहीं आपसे पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे ग्रुप में जितने लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लॉ ऑफ वन की तरफ, वो कहीं ना कहीं वॉन्डरर्स या स्टार सीड्स या इंडिगो चिल्ड्रन वगैरह होने होंगे, तभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है मैम, जो हाँ जिनका इंक्लिनेशन इस तरीके का होता है ना, ये लॉ ऑफ वन सुनते ही उन्हें पता नहीं क्या होता है, एक अजीब सा लगता है उन्हें अंदर से कि यार ये चीज मैं जानता हूँ, मैं कहीं से सीखी हुई है मैंने, लेकिन इसके एग्जैक्टली ये पार्ट नहीं, ये पार्ट कुछ अजीब सा है, वो पार्ट कुछ अजीब सा है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर उन्हें पुल कर लेती है अंदर। तो इसीलिए, आपको अच्छा बताया तो है मैम, अभी 1 बिलियन उतार दिए हैं कन्फेडरेशन ने यहाँ पे, 1 बिलियन पूरे क्या प्लेनेट पे, 1 मिलियन, हाँ वो एक जितने टू बिलियन थाउजेंड बिलियन के बाद, मतलब 125 करोड़, एक मतलब 100 करोड़ के करीब उतार दिए पूरे प्लेनेट पे। अच्छा है, जरूरत है, बहुत जरूरत है। चलो तो अब सेशन 34, मार्च 4, 1981, आज डेट है 6 भी 6, और ये हाँ 7, एक मिनट, 19 और 6 होता है 25, 2 + 5 = 7, सेशन नंबर 34, 3 + 4 = 7, ओके, वेरी गुड। सो मार्च 4 को ये सेशन हुआ, मार्च 3rd मंथ है, 3 + 4 = 7, 7 का हाँ मतलब है, 7 का मतलब जनरली होता है कि अपने दिल में झांकना, या ईश्वर के गहराई को समझना, गहराई में जाकर रेट्रोस्पेक्ट में जाके मेडिटेशन करना वगैरह, वो सब नंबर 7 के हैं, और इस वक्त हम लोग बहुत सारे 7 मुझे नजर आ रहे हैं अपने आसपास, 34, 4 मार्च 1906, गुड, चलो 1906 भी 7 है, 19 + 2022 भी 7 है, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ओके, सो द इंस्ट्रूमेंट वुड लाइक टू मैम, नो इफ, पहले 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 रिचुअल अच्छा वो सॉरी, इम्पोर्टेंट है, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम वो रिचुअल मैं रिपीट करता हूँ कि जी लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है, हम यहाँ
क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है ताकि हम एक का ज्ञान ले सके। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर इस पूरी फैमिली को जो इस सेशन को सुन रही है और जितने भी YouTube पे हमारे भाई बहन और उनके परिवार और उनके वो जिनकी शुभचिंतक है उनको सबको उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उनके आसपास और उनके घरों के आसपास से लेकर इस ग्रुप तक सब तक एक घेरा बनाते हैं जिसके अंदर किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी का रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि लॉ एक है। अब कम्युनिकेट करूं मैम। I pray and I request you to protect me and everybody else who is listening to this session and who is reading the Law of One. हमें अपने घेरे में सबको सुरक्षित करो और हमारा ध्यान रखो। थैंक यू। डॉन पूछता है कि कार्ला जानना चाहती है कि दो एक्सरसाइजेस एक दिन में क्या कर सकते हैं, एक लंबी सेशन के बजाय दो छोटे छोटे सेशन क्या हम कर सकते हैं? हाँ, तो मैम रा बोलते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। The proper configuration of the physical complex exercising during the 3-month period wherein the instrument is vulnerable to physical complex distortion intensifications need the strengthening of the physical complex. This may appropriately be seen to be one major period of the exercising followed late in your diurnal cycle before the evening meditation by an exercise period approximately 1/2 the length of the first. This will be seen to be wearing upon the instrument. However, it will have the effect of strengthening the physical complex and lessening the vulnerability which might be taken advantage of. So, Ra yahan keh raha hai ki nahi, ye galat hai. Keh raha hai ki dekho, agar tum is tarike ke do chote chote session rakhoge, kehte to in sessions ki jo intensity hoti hai na, jo jitne bheeshan session tum ye abhi kar rahe ho hum logo ke sath, hum intensity ko bheeshan hi bolte hain. जिन इनको तुम कर रहे हो ना, तो उसकी वजह से कार्ला ना अटैक के लिए, मतलब ये ओरायन के अटैक के लिए वल्नरेबल हो रही है। कह रहे कि उसको अपने शरीर को भी स्ट्रेंथ रखना जरूरी है, उसका अपने फिजिकल कॉम्प्लेक्स का। वो कह रहा है कि तुम इसको ऐसे देख के चलो कि पूरे दिन में जब तुम एक सेशन करोगे और दूसरा सेशन करोगे तो वो करीब करीब तुम्हारा 1 से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है दूसरा सेशन। तुमने कभी नोटिस नहीं किया? मतलब तीव्रता, हाँ तीव्रता बढ़ जाती है उसकी। तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये सजेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सबसे सही टाइम ये रहेगा कि जब तुम शाम को ध्यान अवस्था में जाते हो ना, मेडिटेशन के टाइम पर होते हो, तो उससे पहले सेशन करो और उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाओ, ताकि जो ये कार्ला है और तुम लोग हो, तुम्हारी एनर्जी दोबारा तुम लोग रिगेन कर पाओ, उस ऊर्जा को दोबारा रिगेन कर पाओ और फिर अगले दिन उसका इस्तेमाल करके फिर दोबारा उसका सेशन को करो और उसके बाद फिर दोबारा अपनी मेडिटेशन में जाओ और फिर दोबारा उसको रिगेन करने की कोशिश करो। इसी तरीके से करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो हालांकि वो कह रहा है कि इससे तुम्हारे जो शरीर है ना उनका कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उसकी ताकत बनी रहेगी, और इसमें कम चांसेस हैं कि तुम मतलब ओरायन तुम्हारी एडवांटेज, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी के एडवांटेज ना ले पाए, कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। हाँ, इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ, आप ज्यादा स्ट्रेस और वो मत किया करो। अगर आपका एनर्जी लेवल नीचे आएगा ना तो आप वल्नरेबल हो जाते हो, थकावट हो जाती है, तो ऑरा वीक हो जाता है, ऑरा वीक हो जाता है तो ओरायन या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे बहुत आसानी से असर कर सकती है। ऑनेस्टली अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रही थी ना साइकिक अटैक, उस दिन जब मुझे स्लिप डिस्क का अटैक आया था ना, तब भी मुझे ऐसा दिमाग में मेरे आया था, महसूस हुआ था, पर मैंने इग्नोर कर दिया था एक्चुअली उसको। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉन कहता है ठीक है तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। आपने पहले बताया था कि आठवें घनिष्ठता में जाने के वक्त या जाने के लिए इंटेलिजेंट इंफिनिटी लेवल अलाउज अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू बी हार्वेस्टेड। इंटेलिजेंट इंफिनिटी मतलब क्रिएटर जो है वो एक एंटिटी को यानी एक इंसान को हार्वेस्ट अगर वो चाहे तो करने की इजाजत देता है अपनी साइकिल के किसी भी दौरान, टाइम स्पेस ड्यूरिंग द साइकिल, जब भी उसका उसको ये ठीक लगे कि अब मैं हार्वेस्ट होना चाहता हूं तो वो कह सकता है क्रिएटर से कि मुझे हार्वेस्ट होना है। व्हेन ये उसने वैसे कब कहा था मुझे याद नहीं आ रहा। एक सेशन में कहा था उसने कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो क्या आठवीं लेवल तक, जैसे लोग पूछते हैं कभी कभी सवाल कि क्या ये फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डेंसिटी, सिक्स्थ डेंसिटी, सेवन्थ डेंसिटी ऐसे करके जाना से बढ़िया ये नहीं हम सीधा से एट्थ डेंसिटी पे निकल जाए। कुछ होते हैं ना बच्चे इनके हाँ। सवाल ऐसे होते हैं कि आठवीं से सीधे हमें तो बारहवीं करनी है, तो हाँ। उस तरीके का सवाल है ये। तो हाँ। रा कह रहा है कि ये ऐसा है, पॉसिबल है कि अगर कोई चाहे तो आठवीं घनत्वता तक पहुंच सकता है, ऐसा है। मतलब तो मतलब उसका सवाल था कि क्या आपने हमें कहा था क्या ऐसा हो सकता है। तो रा इसका जवाब देते हैं, कहते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंटिटी इज यूनिक इन परसेप्शन ऑफ द इंटेलिजेंट इंफिनिटी। परसेप्शन रेंजेस फ्रॉम अ लिमिटलेस जॉय। एक मिनट, वो सवाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि अब जो न्यू ग्रुप है उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो शायद इंग्लिश नहीं समझते, तो इसलिए मैं इसे ठीक से समझा देती हूँ। एक तो उसने ये कहा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक फ्री विल के हिसाब से एट लेवल में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन एंटर करने के बाद उनका तजुर्बा कैसा होता है या क्या होता है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? अब आप जवाब दो। हाँ, मतलब अगर आपको उस एट्थ डेंसिटी पे जाना है तो उसको पेनिट्रेट करना है, मतलब उसके अंदर अगर आपको जाना है तो किस तरीके के आपके अनुभव होने चाहिए कि आप उसमें पहुंच जाओ, ये है सवाल एक्चुअली में। तो रा उसे कहता है कि द एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंटिटी इज यूनिक इन परसेप्शन ऑफ इंटेलिजेंट इंफिनिटी। परसेप्शंस रेंजेस फ्रॉम अ लिमिटलेस जॉय टू अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू सर्विस टू अदर्स व्हाइल इन द इनकार्नेटेड स्टेट। द एंटिटी which reaches intelligent infinity most often will perceive this experience as one of unspeakable profundity. However, it is not usual for the entity to immediately desire the cessation of the incarnation. Rather, the desire to communicate or use this experience to aid others is extremely strong. वो कह रहे हैं देखो इसके जो अनुभव होते हैं ना वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, इस अनंत रचयिता की जो इनकी जो इसकी रचना है ना इसको अलग अलग तरीके से देख सकता है वो और अलग अलग तरीके से इसको अनुभव भी ले सकता है। कह रहा है इसका देखो जो अनुभव होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं कि एक आदमी जैसे उसकी ध्यान अवस्था में चला गया तो वो ऐसी ध्यान अवस्था में चला गया कि अब वो इतना खुश महसूस कर रहा है उसमें। अब मैम आपको याद होगा Q&A सेशन में वो मैम थी ना, क्या नाम था उनका, जो कह रही थी बच्चों बहुत अच्छा है बहुत सुंदर है, बोल रही थी नाम ज्योति राणा मैम शायद। तो कह रहे कि उसमें केस में हो सकता है कि अगर वो चाहे तो आठवीं घनत्वता में ही पेनिट्रेट कर जाए। कह रहे क्योंकि वो एक ऐसी खुशी के अंदर होता है, एक लिमिटलेस, उसकी खुशी का कोई अंत नहीं होता है, फिर वो बिल्कुल अनंत खुशी में चला जाता है। कह रहे या उसके साथ ये भी हो सकता है कि वो दूसरों की सेवा में इतना झुक जाए कि अब उसे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा दूसरों की सेवा में ही झुक गया, पूरा उसी को करे चला गया, उसे मजा आने लग गया उसको करने में। कह रहा है कि जो इस घनत्वता को मतलब आठवीं को पेनिट्रेट कर देता है, कह रहा है कि उसको एक इस तरीके का अनुभव होता है कि जैसे आहा इसमें ऐसा अनुभव तो मैंने कभी जिंदगी में किया ही नहीं। उसको एक अलग सी प्रोफाउंडिटी महसूस होने लग जाती है जिसको वो अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकता, इस तरीके की हो जाती है उसको कि यार ये ऐसा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, ये तो कुछ अलग ही लेवल है। कह रहा है हालांकि हम तुम्हें बता दें कि इस इंसान का जो भी व्यक्ति है, कह रहे ये जरूरी नहीं है कि उसे वो मरे मतलब इमीडिएटली मरे, उसकी जरूरी नहीं कि उसकी इच्छा हो कि आहा मुझे तो अनुभव हो गया अब तो मैं मर रहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी इच्छा हो कि वो मरे,
बल्कि उल्टा उसका ऐसे हो जाता है कि वो उस अनुभव को लेकर दूसरों को बताना जानना शुरू कर देता है और इतना अच्छा महसूस करने लग जाता है और दूसरों को भी चाहता है कि इसका फायदा वो भी उठा सके। और ये जो इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है ना, वो इतनी ज्यादा मतलब शक्तिशाली होती है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो करता ही चला जाता है। फिर ये ऐसा हो जाता है उसके साथ। फिर Is it possible for you to tell me what I explained? तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 1964 मतलब 1964 में शायद 1964 में था जब मैं ध्यान लगा के बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद एक अलग डेंसिटी अलग ग्रह पे चला गया, अलग घनिष्ठता और अलग ग्रह पर पहुंच गया और ऐसे लगा कि उस ग्रह के ऊपर मैं चल रहा हूं और मेरा तजुर्बा मतलब मैंने वहां पे कुछ तजुर्बे ऐसे किए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सही हूं या वो तजुर्बा जो मुझे महसूस हुआ उस वक्त वो क्या था? रापा जैसे मैं सवाल पढ़े बिना इंग्लिश में उसे मन में पढ़ के हिंदी में जवाब पढ़ रही हूँ, क्या ऐसा आपके लिए पॉसिबल है इंग्लिश का करना? मैम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है वो। अच्छा ठीक, कोई बात, बोलिए। तो रा इसमें जवाब देते हैं, कहते हैं वी सी सम हार्म इन फुल डिस्क्लोजर ड्यू टू इंफ्रिंजमेंट, वी कंटेंट आवरसेल्फ विद सजेस्टिंग दैट दिस एंटिटी व्हिच इज नॉट रेडिली एबल टू सब्जेक्ट इटसेल्फ टू द प्रोसेस ऑफ हिप्नोटिक रिग्रेशन व्हिच इज नॉट रेडिली एबल टू सब्जेक्ट इटसेल्फ टू द प्रोसेस ऑफ हिप्नोटिक रिग्रेशन इंस्टिगेटेड बाई अदर्स नेवरदलेस हैज हैड its opportunities for understanding of its beingness. अब वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें इस बारे में बता नहीं सकते हैं क्योंकि अगर हमने इसके बारे में तुम्हें पूरा बताया ना, तुम्हारी आजादी का उल्लंघन हो जाएगा फिर, क्योंकि इस धरती पे जब तुम हो तो अभी तुम इसी के अनुभव ले रहे हो। अगर हमने तुम्हें वहां का बताया तो तुम्हारी आजादी का उल्लंघन हो जाएगा। और मैम आपको याद होगा मैंने एक सेशन में कहा था, अगर किसी को ये जानना है कि मैं किसी दूसरी घनत्वता से आया हूं या नहीं आया हूं या जो भी है, तो वो खुद मेडिटेट करे और खुद ही पता करे उसका, कोई और उसे बताएगा तो उसकी आजादी का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे लोग होते हैं ना कि आप बता दो जी मैं कहाँ से आया हूँ, जी आप बता दो मैं कहाँ से आया हूँ, और आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, तो मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि हाँ भाई आप किसी और डेंसिटी से आए हुए हो, बट मैं ये नहीं बता सकता कि आप कौन सी डेंसिटी से आए हुए, उसका पूरा डिस्क्लोजर मैं भी नहीं कर सकता या हम में से भी कोई हमारे ग्रुप में से भी कोई नहीं कर सकता इस चीज का। हम खुद आपस में एक दूसरे को डिस्क्लोजर नहीं करते, हम जिसका जिसका जैसा अनुभव है वो अपने पास ही रखता है। तो कहता है कि हम अपने आप को रोकते हैं ऐसा करने से जानबूझ के कि हम किसी को इस तरीके का सजेशन ना दें, कि हालांकि लेकिन हम तुम्हें बता दें कि कोई व्यक्ति अपना हिप्नोटिक रिग्रेशन यानी हिप्नोसिस करवाए किसी और व्यक्ति से, तो उसके पास ये मुमकिन है कि वो जान सके कि वो कहाँ से आया है और वो किस दुनिया में था पहले, या वो किस उसने जो ये महसूस किया जो अनुभव लिया तो उसने कहाँ का अनुभव लिया है, उसने अपनी बीइंगनेस का कहाँ का अनुभव लिया है। अब मैम मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, ये हो सकता है डॉन जो है ना वो हो सकता है कि अपनी जो प्रीवियस डेंसिटी यानी जहाँ पर वो था, क्योंकि यहाँ पर तो वॉन्डरर आया हुआ था, कह रही जहाँ पर था ना हो सकता है कि वहां पहुंच भी गया हुआ है चेक करने के लिए कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ उठ के 1964 में पहुंच गया था, लेकिन अब ये 1981 में था तो उसको कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि इसकी आजादी का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए रा ने रोक दिया था उसको, हालांकि वो चेक कर चुका था कि हाँ मैं अपना पता कर चुका हूँ। Which is not readily able to subject the process of, पर वहाँ यहाँ पे वो जो कह रहा है रा कह रहा है that this entity which is not readily able to subject itself to the process of hypnotic regression, मतलब वो खुद hypnotherapy या hypnotic regression में जा नहीं मतलब नहीं जाना चाहता या कोई और उसको hypnotic trance में डाले इसके लिए वो ready नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा वो वैसे? देखो मैम डॉन जो है ना इस scenario में डॉन hypnosis में नहीं जाना चाहता था, उसको बिलीव नहीं करता था कि हिप्नोटिक रिग्रेशन और ये सारी चीजें कुछ है भी। हाँ। तो राव से कह रहा है कि विच इज नॉट रेडिली एबल टू सब्जेक्ट इटसेल्फ, वो डॉन की ही बात कर रहा है। हाँ। कह रहा है कि क्योंकि उसे पता था कि डॉन नहीं चाहता था ये करना, तो कह रहा है कि
लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो जो ये एंटिटी डॉन है, हालांकि वो अपने आप को चाहता नहीं है, लेकिन अगर वो इसके अंदर जाए तो पता कर सकता है, ये था उसका कहने का मतलब। उसका ये आगे ये कह रहा हैज हैड इट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स बीइंगनेस, हालांकि वो दूसरों के से हिप्नोटिज्म रिग्रेशन नहीं करवाना चाहता या उसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन उसे अपने आप को समझने के मौके बहुत मिल चुके हैं, ये मेरे हिसाब से तो वो हाँ ये कह रहा है। हाँ वो यही कह ठीक रहा है, है, क्योंकि वो मैम वही तो बता रहा था मैं कि वो जाके चेक कर चुका था ये चीज, हाँ लेकिन बस वो यहाँ तो कंफर्मेशन चाहता था रा से। हाँ हाँ तो वो कहता है कि आप मुझे बताएंगे कि कर्म कर्मा कर्म उसका सही मतलब क्या है, मैम, ये और भी लोग पूछते हैं, कहते ये हैं द बहुत इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा इज दैट विच मे बी कॉल्ड इनर्शिया। Those actions which are put into motion will continue using the ways of balancing until such time as the controlling or higher principle which you may liken unto your breaking or stopping is invoked. This stoppage of inertia of action may be called forgiveness. These two concepts are inseparable. कह रहे देखो कर्म ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे गाड़ी ना चलती चली जाती है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, क्योंकि मोशन में है वो, मतलब ये एक तुम्हारा कर्म जो है ना एक एक्शन मोशन में आ गया। अब इन मैम इसको समझने के लिए आपको पिछले वाला जो उसने कर्म का बताया था ना उसको भी इससे अटैच करना पड़ेगा आपको। उसने कहा था कि ये जो कर्म तब डेवलप होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम के भाव से ना बिहेव करे, तो कर्म डेवलप होना शुरू होता है, उसकी वजह से एक एक्शन शुरू होता है, कह रहा, और वो एक्शन चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, फिर आगे कह रहा उसको बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है, आगे चलते रहते हैं, वो तब तक नहीं रुक सकता जब तक वो ब्रेक ना लगाए उसके ऊपर, वरना उसका कर्म डेवलप होता चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। कह रहा है ये जो ब्रेक लगती है ना उसको तुम कहते हो माफी मांगना, फॉरगिवनेस, माफ करना। दूसरे को भी माफ करना और खुद को भी माफ करना, तभी जाके हो सकता है ये, वरना ये ब्रेक नहीं लगेगी, तुम निकलते ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल रहा है ना अभी, तो अभी तुम्हें ज्ञान है नहीं कि कर्म होती क्या चीज है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि कर्म ऐसे ब्रेक लगा सकते हैं तब ही तुम ऐसे ब्रेक लगा सकते हो। और मैम इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कम कर्म कर दिया फिर उसकी माफी मांगी फिर आगे उसी उसी तरीके से। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि अगर आपने कर्म किया और आपने उसकी माफी मांग ली और दूसरे को भी माफ कर दिया तो आपको आगे वो बताएगा इंश्योर करना पड़ता है कि वो चीज दोबारा रिपीट ना हो, वरना वो फिर डेवलप हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। कह रहा है ये इफेक्ट दोनों चीजें ना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकती, ये दोनों मिली हुई चीजें हैं। अगर एक इंसान उसने कर्म कोई कर लिया है अपनी जन्म में, इज देयर देन प्रोग्रामिंग दैट समटाइम्स अकर्स सो दैट ही विल एक्सपीरियंस कैटर दैट विल लिमिट रूम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक कर्म तो पैदा कर दिया कुछ गलत करके, तो क्या ऐसी कोई प्रोग्रामिंग उसके अंदर डाली जा सकती है ताकि वो जो क्या बोला था आपने कैटलिस्ट को पहले, माध्यम, माध्यम तो क्या ताकि ऐसा कोई माध्यम उसके सामने आए जो उसे माफी मांगने या माफी देने के लिए दे मतलब क्या करते हैं इंस्टिगेट करे, इंस्टिगेट को क्या बोलते हैं, इंस्टिगेट शुरू करे, करें, हाँ मतलब शुरू करें। उसे नहीं शुरू करे नहीं होता है, इंस्टिगेट मैम करे मैम मतलब उसे नहीं समझ रही प्रोत्साहित करे कि वो माफी उत्साह। मांगे या माफ करे, हाँ ऐसा कोई तजुर्बा उसकी जिंदगी में हो ताकि वो माफ करना और माफी मांगना सीखे, ताकि उसके कर्म जो है या कर्म का जो साइकिल है उसमें स्टॉप लग कर्म सके। से मुक्ति मिल जाए उसे, बेसिकली हाँ कर्म से हाँ मुक्ति मिल जाए, तो यहाँ पे कर्म के वो साइकिल से मुक्ति डायरेक्टली मिले। डायरेक्टली हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि क्या हाँ ऐसी कोई प्रोग्रामिंग कोई व्यक्ति अपने लिए कर सकता है या ऐसी हो सकती है कि ये जो माध्यम लगे हुए हैं, जो क्योंकि माध्यम लगने की वजह से ही तो उसका क्या कहते हैं वो अनुभव लेता चला जा रहा है,
कि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि वो ये जो माफी है ना, इस माफी का कैटलिस्ट, मतलब इस माफी का माध्यम आ जाए और वो अपने आप को इस कर्म की चंगुल से मुक्त करा सके। तो राव से ये कहता है, दिस इज इन जनरल करेक्ट, हाउएवर बोथ सेल्फ एंड एनी इन्वॉल्व्ड अदर सेल्फ मे एट एनी टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस एमिलियोरेट दिस पैटर्न। वो कह रहा है कि हाँ, अगर तुम जनरली देखोगे तो ये बिल्कुल सही है। कह रहे हैं हालांकि हम तुम्हें बता दें कि जो व्यक्ति और जो दूसरा व्यक्ति इस पूरे पार्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, एक तो आप हो गए और एक हो सकता है आपने दूसरे के साथ वो अनलविंग मैनर में बिहेव किया हो, मतलब प्रेम के साथ आपने उसके साथ बिहेव नहीं किया। कहता है कि तब ये इस केस में ये हो सकता है कि आप अपनी गलती को समझो, पहले तो अंडरस्टैंडिंग कह रहा है वो, पहले गलती को समझो, फिर उसे मानो, फिर खुद को माफ करो और उसको भी माफ, पहले तो उसको माफ करो और फिर खुद को भी माफ करो कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई है। कह रहे तभी ये पैटर्न्स रुक सकते हैं। और मैम ये पता ही बड़ा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आदत डालनी पड़ती है। अगर आपसे गलती हो जाए तो अपने आप को अगर आप अलर्ट रखोगे ना तो ये हो सकता है, बड़ा आसान है, कोई ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो कह रहा है दिस इज ट्रू एट एनी पॉइंट इन एन इनकार्नेटिव पैटर्न, डज वन हु हैज सेट इन मोशन एन एक्शन मे फॉरगिव इटसेल्फ एंड नेवर अगेन मेक दैट एरर, दिस आल्सो ब्रेक्स और स्टॉप्स व्हाट यू कॉल कर्मा। कह रहा है कि ये बिल्कुल सच है, किसी भी जन्म में इन पैटर्न्स को रोक सकते हो तुम। कह रहे हैं दस वन हुए सेट इन मोशन, हाँ कह रहे, इसलिए हम कह रहे हैं जिसने ये अपनी कर्म की चक्र चलाना शुरू कर दिया है ना, अपना मतलब इस कर्म को करके, मतलब इस एक्शन को करके, दूसरों के साथ तो प्रेम से बिहेव ना करके, अगर उसने ये एक्शन चलाना शुरू कर दिया है ना, तो कहता है तो वो अपने आप को भी माफ कर सकता है और दूसरे को भी माफ करके आगे चल सकता है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गलती वो दोबारा ना करे। कह रहे इस वजह इसको इसका इस्तेमाल करके आप उस कर्म के चक्र को रोक सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे उसने कहा कि वो इंसान दूसरे के साथ खुद को भी माफ करे, ऐसा क्यों कहा, खुद को क्यों माफ करे? मैम क्योंकि जनरली किसी, देखो हर सिनेरियो के अंदर ना, या तो इंसान को लगता है मेरी तो कोई गलती नहीं थी, अब वो जब तक उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर लेगा ना अपने आप के साथ बैठ के, यार मैं देखूं तो इस सिनेरियो में क्या मेरी भी कोई गलती थी, तब तक उसे अपनी गलती ढूंढेगा नहीं, वो मिलेगी नहीं उसको। पहले उसे बैठ के अपने आप के साथ बैठ के, तभी तो मैं मेडिटेशन में ढूंढा जाता है इस चीज को कि यार मेरा ये एक्ट था, मैंने क्या गलती की है। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में बैठोगे आपको गलती अपनी पता ही नहीं चलेगी, बैठो अपने आप को देखो कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं, उसी मेडिटेशन की स्टेट में अपने आप से भी मांगो माफी, उस व्यक्ति से भी मांगो माफी, अगर उससे मिलके मांग सकते हो तो अच्छा है, अगर नहीं मिलके मांग सकते तो भी अपनी मेडिटेशन वाली स्टेट में उससे माफी मांगो, उसको भी माफ करो उसकी गलती के लिए और फिर आगे निकलते जाओ। इस केस में हम कई लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, माफ करो खुद को भी उसको भी और आगे निकलो। लेकिन इसके लिए मैम सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहोगे ना कि दूसरे ने किया, उंगली दूसरे पर उठाना मैम बड़ा आसान होता है, खुद का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम दूसरों को ढूंढते हैं कि यार तू मेरा एनालिसिस करके बता दे मेरे को, जबकि ये काम हर व्यक्ति को खुद करना चाहिए। सही बात है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है कि चलो आपने एनालिसिस कर लिया कि आपसे गलती हुई, आपने माफी मांग भी ली, कई बार सामने वाले से माफी मांगना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार उससे ज्यादा मुश्किल होता है खुद को माफ करना, वो कैसे करे इंसान? मैम देखो मतलब ये लगता है मुंह से कहने के लिए मुंह से कह दो अच्छा ठीक है मैं खुद को माफ किया, या सोच लो कि अच्छा चलो मैं खुद को माफ करूं, पर वो दिल के अंदर अगर आपने खुद को सच में माफ कर दिया तो दिल से गिल्ट निकल जाता है, लेकिन अगर ये कहने के बाद के ओके आई नीड टू फॉरगिव माइसेल्फ, मैं खुद को माफ करती हूँ, तो गिल्ट नहीं जाता, इसका मतलब सही मायने में खुद को माफ नहीं किया, तो क्या करो आप, ये भी जरा बता दो। मैम इसका बड़ा सिंपल तरीका बताऊं आपको, मैम जब भी इस तरीके की चीज आपके दिमाग में आए ना, तो एक बार को हंसो अपने ऊपर कि अबे यार ये तो अनुभव है,
अरे मैं क्यों इसको पर्सनली ले रहा हूँ, ये तो अनुभव है यार, हो गई गलती मेरे से, क्या बेवकूफ हूँ यार मैं। अपने ऊपर हंसना शुरू करोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, फिर आप अपने आप को माफ करना शुरू कर दोगे। अपनी गलतियों पे पहले खुद के ऊपर तो हंसो, दूसरे के ऊपर तो हंसना बड़ा आसान है, दूसरे की गलती निकालना बड़ा आसान है। बैठो अपने आप के साथ, कह रहे यार कितना बेवकूफ हूं ना मैं, क्या ये मतलब क्या बचकानी हरकत की है मैंने, या कह लो अगर मैंने बड़ी गलती भी कर दी तो मैंने कहा यार ये क्या किया मैंने यार, चलो कोई बात नहीं, अनुभव ही तो है, इससे सीखने को तो मिला, चलो कुछ मेरे को, चलो सीखता हूँ, सीख लिया मैंने इससे, ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अब मैं अपने आप को चलो माफ करता हूँ और आगे निकलता हूँ। इतना हल्का सा हंसने से ही मैम आपकी ये गलती माफ हो जाएगी, खुद को माफ कर पाओगे, सीरियसली लेके अपने आप को तो आप वैसे ही माफ नहीं कर सकते, यही है मैम इसका तरीका। थैंक यू। So Don कहता है, can you give me examples of catalytic reaction produced learning under each of the following headings from the last session we had? Can you give me an example of the self unmanifested producing learning catalyst? तो वो कहता है कि क्या आप मुझे इसका example, मतलब example, sorry मैं भूल गई, क्या बोलते हैं example को हिंदी में? उदाहरण। उदाहरण, क्या आप मुझे उदाहरण दे सकते हो कि ये सीखने के लिए तो किस तरह के एक्शंस होते हैं जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, तो ऐसे कौन से उदाहरण आप मुझे दे सकते हो समझने के लिए कि मैं नहीं हूं और सीखना मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ये क्वेश्चन आप ही कर दो, मुझसे नहीं हो रहा हिंदी का। वो ये कह रहा है, कह रहा है देखो पिछली बार वो उसने एक वो बोला था ना अनमैनिफेस्टेड सेल्फ, यानी मैं नहीं था अब हूं और आगे हो सकता है मैं ना भी हूं। पहले तो इन चीजों को अपने अंदर ये मान लो कि भाई ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, मेरे साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। अगर किसी के अंदर ये है ना कि जी मैं नहीं था अब मैं आ गया हूं, अरे मुझे तो कुछ होएगा ही नहीं, अरे अच्छे अच्छे नहीं बच्चे यार इस प्लैनेट पे, हम कौन है, तो उस चीज की बात को इससे आपका ना मैम एक तो ईगो लेवल नीचे आ जाता है। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, छोड़ो लंबी कहानी हो जाएगी, सवाल पे आते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे वो माध्यम बता सकते हो कि जिसका इस्तेमाल करके जिसको एक्शन लेकर, आपने पिछली बार जैसे बताया था कि जिसके एक्शन की वजह से, जिसका जिसके होने की वजह से मैं ये नहीं था अब हूँ और आगे नहीं रहूंगा, इसको मैं सीख सकूं कि भाई ये सारी चीजें इस पूरे पैटर्न के अंदर वो ऐसा कौन सा माध्यम है जो कि एक्ट कर रहा होता है, जो कि एक्शन में होता है। तो रा ये कहता है कि वी ऑब्जर्व योर इंटरेस्ट इन द कैटलिस्ट ऑफ पेन, दिस एक्सपीरियंस इज मोस्ट कॉमन अमंग योर एंटिटीज, द पेन मे बी ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स, मोर ऑफन इट इज ऑफ मेंटल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्स, in some few cases the pain is spiritual in complex nature, this creates a potential for learning, the lessons to be learned vary, almost always these lessons include patience, tolerance and the ability for the light touch. bahut pyara jawab diya hai isne, wo keh raha hai ki dekho iska jo madhyam hota hai na isko tum kehte ho dukh। बहुत लोग कहते हैं ना मैम, पूछते हैं कि यार हमारी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, अरे दैया मर गए, तो उसी का जवाब है। कह रहा है इस माध्यम को कहते हो तुम लोग दुख, कह रहे ये सबसे ज्यादा कॉमन है तुम लोगों के बीच में, इतने ये जो अनुभव है इसका अनुभव सबसे ज्यादा कॉमन है तुम लोगों के बीच में। कह रहे ये शारीरिक दुख भी हो सकता है, कह रहे ये दिमागी दुख भी हो सकता है मेंटल, कह रहा और ये इमोशनल भी हो सकता है, तो तुम दुखी हो किसी इमोशन भावना को लेकर। कह रहा है किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि सीधा तुम्हारी आत्मा पे घात कर गया, ऐसा भी हो सकता है मैम, होता है मैम, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का बेचारे की शादी टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का प्यार ही अपने या तो माँ बाप परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसा होता है तो उसका घात ही ऐसा लगता है उसके जाके कि सीधा उसकी आत्मा में जाके लगता है वो। ये स्पिरिचुअल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर मतलब क्या, मतलब के ईश्वर से विश्वास ही उठ जाना, क्या इसका ये मतलब है? हाँ मैम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की गालियां देना कि तूने क्या जिंदगी बनाई है मेरी, हाँ तूने मेरी क्या स्थिति बना दी,
ये चीज बिल्कुल मैम, इसका घात जब जाके पड़ता है ना, तो इंसान जो है ना भगवान को भी गाली देता है, और भगवान को गाली देने के चक्कर में अपने आसपास वाले सबको गालियां देता, फिर वो इतना बुरा इफेक्ट होता है इसका जाके। कह रहे कि दिस क्रिएट्स अ पोटेंशियल फॉर लर्निंग, कह रहे लेकिन तुम्हें ये बता दें ये जो माध्यम है ना, ये तुम्हारे लिए एक एक वो पैदा करता है, एक रास्ता पैदा करता है ताकि तुम सीख सको। कहता है ये जो सीखना होता है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, कह रहे लेकिन ज्यादातर जो सीखना होता है ना, इस जब इस तरीके का हो जाए तो ज्यादातर जो सीखा जाता है ना वो होता है पेशेंस। पेशेंस को क्या बोलेंगे मैम हिंदी में? सब्र। कहते हैं तो सब्र, वो सीख, हाँ सब्र सीखना। कह रहे दूसरा टॉलरेंस कि हाँ यार अब ये हो गया, ये सहन शक्ति आ जाना कि अरे यार ये दुख आ गया, चलो कोई नहीं झेलता हूँ, दुख है क्या, मैंने ही खुद लगाए हुए अपने माध्यम, क्या करूं, अब जब मैंने ही लगाया हुआ है तो दुख भी मेरा ही है, लेकिन ये दुख मैंने लगाया इसलिए था ताकि मेरे अंदर ये सहन शक्ति बढ़े, मेरे अंदर ये सब्र बढ़े। कह रहा और मेरे अंदर दूसरों को जब मैं टच करूँ ना तो प्रेम से ही करूँ, ऐसे नहीं कि मैं भैया मेरी तो आत्मा घात हो गई और अब मैं दूसरों के साथ करूंगा ये। और मैम आप लोगों को एक चीज बताते हैं इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब जिस इंसान के साथ जैसा होता है ना वो दूसरों के साथ भी वैसे ही करना शुरू कर देता है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ ब्रेकअप या डिवोर्स या उसके परिवार में किसी का कुछ हो गया, खून वगैरह या कुछ हो गया, तो इस केस में इंसान गुस्से में आके जैसा उसके साथ हुआ होता है वो दूसरे के साथ करना शुरू कर देता है फिर। लेकिन मैम ये वो माध्यम होता है, खैर खून वाला तो माध्यम में नहीं कह सकते, लेकिन ये वो माध्यम होते हैं कि इस टाइम पे उस इंसान को सब्र, सहन शक्ति और वो अपनी चीज डेवलप करनी पड़ती है कि वो अपने आप के उस टच को समझे कि नहीं यार अब तो हो गया, कोई नहीं, माफ करो उसको भी और खुद को भी और आगे निकलो। कहता है कुछ लोग रुक जाते हैं इसमें, कुछ लोग नहीं रुक पाते, वो बेचारे फंस जाते हैं। कह रहा है वेरी ऑफन द कैटलिस्ट फॉर इमोशनल पेन वेदर इट बी द डेथ ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ वन अदर सेल्फ विच इज लव्ड और सम अदर सीमिंग लॉस विल सिंपली रिजल्ट इन द ऑपोजिट इन अ बिटरनेस एंड इम्पेशेंस अ सोरिंग दिस कैटलिस्ट विच हैज गॉन ऑडी इन दीज केसेज देन देयर विल बी additional catalyst provided to offer the unmanifested self further opportunities for discovering the self as all sufficient creator containing all that there is and full of joy. कहता है कि देखो ज्यादातर ये जो इमोशनल पेन होता है, वो इमोशनल दुख होता है ना तुम लोगों को, कहता है ये ज्यादातर उस वक्त होता है जब तुम अपने किसी को खो देते हो या उसकी मौत का दुख बता रहे हो। कह रहे उसकी मौत का दुख जो होता है ना, जिसको तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, कह रहे ज्यादातर उस वक्त होता है तुम लोगों को। कह रहे इसका रिजल्ट ना उल्टा भी पड़ सकता है कि तुम्हारे अंदर कड़वाहट आ जाए, कह रहे तुम अपना सब्र खो दो। कहते और एक अचानक से एक अजीब सी तुम्हारे अंदर कड़वापन, मतलब बुरापन आ जाए तुम्हारे अंदर। कह रहे ये जो माध्यम होता है ना, आगे जाके फैल जाए तुम्हारे अंदर, मतलब खतरनाक साबित हो जाए तुम्हारे लिए आगे जाके। कह रहे इस केसेस में भी तुम लोगों ने माध्यम लगाए होते हैं अपने कि अगर ऐसा कुछ हो जाए मेरी जिंदगी में तो भी आगे देखना तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपनी जिंदगी में आगे जाके कि तुम उस खुशी को, उस खोई हुई खुशी को, उस रचयिता के प्रेम को और उसकी खुशी को दोबारा अपने अंदर कुछ समय बाद जाके देखोगे कि वो आ गई है वापस। तो वो धीरे 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 दुख खत्म होता जाता है, तुम लोगों से मिलना शुरू करते हो, लोगों के साथ खुश रहना शुरू करते हो। हाँ दुख रहता है कुछ टाइम तक, धीरे 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 वो खत्म होता है, और वो उस माध्यम की वजह से ही होता है कि वो धीरे धीरे खत्म होता है। अगर तुमने माध्यम ना लगाया हो ना, तुम तो अपने आप को बर्बाद ही कर लो पूरी तरीके से। कह रहे इस माध्यम की वजह से ही होता है ये सारी चीजें। कितना सुंदर जवाब दिया मैम, बहुत सुंदर। एक सेकेंड, उत्प्रेरक माध्यम मतलब कैटलिस्ट को उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक भी कह सकते हो, माध्यम भी कह सकते हो, दोनों चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू व्हाट वी कॉल कंटेजियस डिजीज प्ले एनी पार्ट इन द प्रोसेस रिस्पेक्ट टू द अनमैनिफेस्टेड सेल्फ। तो ये जो आजकल चल रहा है पैंडेमिक, जो एक से दूसरे को बीमारी हो जाती है, चाहे वो हवा से हो, छूने से हो, कंटेजियस डिजीजेस मतलब
इतनी इस तरह से आसानी से फैलने वाली बीमारियां, क्या इनका भी इसमें कोई रोल है? अनमैनिफेस्टेड सेल्फ को क्या बोलेंगे मतलब कि मैं इससे जो दुख आता है, इससे जो दुख आता है, तो इसका भी कोई रोल है कि मतलब अपने आप को समझने का? बीमारियां, हाँ हाँ, तो रा कहता है, तो रा कहता है, the so-called contagious diseases are those entities of the second density which offer an opportunity for this type of catalyst. If this catalyst is unneeded, then these second density creatures, as you would call them, do not have an effect. In each of these generalizations, you may please note that there are anomalies so that we cannot speak to every circumstance, but only to the general run or way of things as you experience them. कह रहा है ये जो तुम कंटेजियस बोल रहे हो ना डिजीजेस, इस तरीके के जो तुम बोल रहे हो कि जी वायरस फायरस ये जो भी चीजें तुम्हारी, कह रहा है कि ये दूसरी घनत्वता के होते हैं, ये वायरस भी मैम दूसरी घनत्वता के बता रहा है वो. कह रहा है कि वो इस तरीके का एक मौका देते हैं तुम्हें कि भाई इससे भी तुम अपने आप को बचा सकते हो, बचा भी सकते हो, इससे सीख भी सकते हो, दोनों चीजें हो सकती हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा शरीर इस तरीके का है कि तुम्हें जैसी दूसरी घनत्वता का क्रिएचर अटैक करेगा तो तुम्हारा शरीर उससे लड़ते लड़ते सीख ही रहा होता है. कह रहा है ये भी माध्यम है, ये भी सिखा ही रहा होता है तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे दिमाग को. कहते कि हालांकि हम तुम्हें बता दें इस माध्यम की जरूरत नहीं है तुम्हें, और अगर इसके जरूरत तुम्हें नहीं है और तुम मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके उसको माध्यम को बोल दो कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू जाके किसी ऐसे को ढूंढ जहां पे तेरा काम बन जाए, कह रहे तो इसका इफेक्ट भी खत्म कर सकते हो तुम. कह रहे लेकिन ये जनरल केसेस में होता है, हम तुम्हें पहले बता दें, लेकिन कुछ कुछ अनोमली भी हो सकती है, अचानक से किसी ने कुछ कर दिया, कह रहे उसके बारे में हम नहीं कह सकते, हम तो तुम्हें जनरल चीजों के बारे में कह सकते हैं. कह रहे कि जिस तरीके से तुम इसका अनुभव लेते हुए चलोगे उसके हिसाब से बता रहे हैं हम लोग. कह रहे हम जनरल केस का तो बता सकते हैं तुम्हें, हम ये नहीं बता सकते किसी ने जानबूझ के कर दिया हो. कह रहे इन्हें कहते हैं अनोमली. टाइम इज 2112. ओके व्हाट पार्ट डू वी कॉल बर्थ डिफेक्ट्स प्ले इन दिस प्रोसेस? तो इसका मतलब जो लोग पैदा जब होते हैं और पैदाइश से कोई ना कोई बीमारी मतलब बीमारी नहीं मतलब बर्थ डिफेक्ट्स, कोई अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा लूला इस तरह के जो लोग पैदा इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर होते हैं, उनका हमारे ग्रोथ में या हमारी जिंदगी के प्रोसेस में क्या उनका क्या रोल है, वो ऐसा क्यों होता है? तो मैम इसका जवाब वो बोलता है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स टोटैलिटी मैनिफेस्टेड इन द माइंड बॉडी स्पिरिट ऑफ थर्ड डेंसिटी. दीज डिफेक्ट्स आर प्लान्ड एज लिमिटेशंस व्हिच आर पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इंटेंडेड बाय द एंटिटी टोटैलिटी कॉम्प्लेक्स. This includes genetic predispositions, as you may call them. मैं predispositions का जरा मतलब देखना आप, तब तक मैं इसका उतना जवाब देता हूँ. जी. तो वो कहता है कि ये जो होता है ना, ये तुम्हारे दिमाग और शरीर के जो complex बना हुआ है ना, दिमाग और शरीर का, इसमें भी आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है. कह रहा इसकी वजह से होता है ये कि दिमाग और शरीर पूर्ववृत्ति. लेकिन पूर्ववृत्ति के और भी तो कुछ मतलब होंगे ना. पूर्ववृत्ति को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ववृत्ति हिंदी में पूर्ववृत्ति बोलते हैं. लेकिन पूर्ववृत्ति को नॉर्मल हिंदी में क्या बोलेंगे, जरूरी नहीं है ना सब समझ पाए. पूर्वानुकूलता, बार बार होना किसी चीज. हाँ, बार बार किसी चीज का होना. वेरी गुड. एक मिनट. तो वो कह रहा है कि मीनिंग निकालती हूँ पहले, तो फिर वो हिंदी में समझाना मत इजी हो जाएगा. आचरण या सोच या बीमारी से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति. तो प्रीडिस्पोजिशन मतलब किसी चीज की विशेष आचरण या सोच या बीमारी से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति, मतलब एक नेचर, मतलब वो क्या कहते हैं, बार बार होना. हाँ, बार बार होने की उनकी जैसे आदत ही है शरीर की. किसी को सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, किसी का पेट खराब बार बार हो जाता है, तो उनकी प्रवृत्ति है. तो वो पहले से जो पूर्व प्रवृत्ति, मतलब पहले से जो उनके अंदर है,
तो रा कहता है कि देखो इसके होने का जो कारण होता है ना, वो शरीर और दिमाग का जो है ना, उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें दिक्कत आने की वजह से होती है ये। और ये इसलिए होती है कि जब ये दिमाग और शरीर जब बन रहा होता है एक माँ के पेट के अंदर, और जब उसके अंदर आत्मा जाती है और वो तीसरी घनत्वता में आता है, तब आके ये दिक्कत हो जाती है। कहते हैं ये जो दिक्कतें होती हैं ना, ये प्लान की भी होती हैं, जो जो तुम्हारा टोटल कॉम्प्लेक्स है, जो तुम्हारा हायर सेल्फ होता है ना, उसके साथ मिलके तुम ये प्लानिंग करके आते हो इसकी, कि भाई मेरे को इस तरीके की लिमिटेशन चाहिए, जानबूझ के करके आते हो तुम, कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कम हो। वो इसीलिए कि तुमने पहले बार बार इस तरीके की चीजें की हुई है, कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पे अचानक खुला छोड़ दिया जाए तो तुम ना अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हो, इस लेवल के होते हो तुम। इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये चीजें तुम्हारे साथ बार बार ना हो जो तुम पहले करते हुए आए हो। कह रहे इस वजह से तुम अपने हायर सेल्फ, जो तुम्हारा टोटल कॉम्प्लेक्स है, वो उसके साथ मिलकर ये प्लान बना के आए होते हो कि भाई हो सकता है मैम पिछले जन्म में उसने किसी को पीट पाट दिया हो या कुछ कर दिया हो, इस तरीके का हो बिहेवियर। कुछ कह नहीं सकते ना, किसी जन्म में कैसा हो गया, अब पीछे के भी कैटलिस्ट लगते हुए आ रहे होते हैं। तो कह रहे कि इस बार तुम ऐसी कोई हरकत ना करो ना, तो तुम अपने हायर सेल्फ के साथ मिलकर ये डिसाइड करके ये करके आते हो कि भाई इस तरीके की चीज मैं ना कर पाऊं, इसलिए ये लिमिट लगा दो आप मेरे अंदर। और वो बंदा खुद मांगता है, ऐसा नहीं है कि कोई हायर सेल्फ अपनी मर्जी से लगा रहा है, वो खुद मांगता है कि भाई मेरे लिए इस बार लिमिट लगा देना ये, ताकि मैं ये जो कर करके आया हूँ ना पीछे से, अरे ये रिपीट ना करूं अब मैं। तो मतलब कि जैसे मेरा बेटा जन्म से वैसे तो ठीक है, लेकिन हैंडीकैप्ड है, मतलब ना बोल पाता है और ना चल पाता है, ना अपने काम खुद कर पाता है, फिजिकल हैंडीकैप्स जन्म के वक्त कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हुए, तो ये प्री प्रोग्राम्ड है, मतलब ये पैदा होने से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखवा के लाया है। मैम दो केसेस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उसने अपने हायर सेल्फ के साथ मिलकर ये प्लान किया हो कि भाई मेरे को इन लिमिट्स को लगा दो आप, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम कर चुका हूँ। इसके ऑपोजिट अगर आप देखो, ये भी हो सकता है कि वो वांडरर है और किसी हाई डेंसिटी से यहाँ आया और अचानक से डेंसिटी में आके फंस गया। याद है ना आपको वाला सेशन, पुराना वाला, आप भूल रहे हो? हाँ, नहीं मुझे याद है, लेकिन इन दो, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। उसके उसके पिछले जन्म में वो कुछ ऐसी चीजें कर चुका है, ये भी मुझे पता है, तो ये लिमिटेशन वाला किस्सा है उसका, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, टापरे, ओके। Would you give me the same type of information about the self in relation to the societal self? क्या आप मुझे मेरे बारे में बताएंगे? मतलब मेरा जो समाज है, उससे मेरा रिश्ता, या मैं ऐसी जगह पे क्यों पैदा हुआ, या मेरी क्या कहानी है? ऐसा शायद पूछ रहा है ना वो? क्या वो ऐसा पूछ रहा है पा? नहीं 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 मैम, वो कह रहा है क्या, अभी तो आपने एक व्यक्ति के बारे में बताया, ठीक है, कि इस तरीके का हो सकता है उसके साथ। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि एक व्यक्ति का अपने समाज के साथ ये जो रिश्ता है, इससे रिलेटेड भी इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या मेरे को? क्योंकि मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि अब वो इस तरीके का हो तो गया ये उसके साथ चीज, लेकिन हो सकता है समाज में उसको क्या कहते हैं अलग भेदभाव से देखने लगे, तो भेदभाव भी होने लग जाता है, तो कह रहे तो उसको वो भी झेलना पड़ जाता है यहाँ पे। हो सकता है इसी तरीके का कुछ सवाल वो पूछना चाह रहा है। इस सवाल में मैं भी अनक्लियर हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि एक अपने का रिलेशन दूसरे के साथ, ये समाज के साथ जो हो जाता है यार, इसके बारे में भी आप हमें कुछ बता सकते हो? तो रा कहता है कि द अनमैनिफेस्टेड सेल्फ मे फाइंड इट्स लेसन दोज व्हिच डेवलप एनी ऑफ द एनर्जी इन्फ्लक्स सेंटर्स ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स लेसन, ठीक है। द सोसाइटल एंड सेल्फ इंटरैक्शंस मोस्ट ऑफन कंसंट्रेट अपॉन द सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी सेंटर। तो कह रहा है कि हाँ, thus those most active in attempting to remake or alter the society are those working from feelings of being correct personally or of having answers which will put power in a more correct configuration. This may be seen to be full travel from negative to positive in orientation. Either will activate these energy ray centers. मैम पता है किस केस में होता है ये? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया उसने। वो कह रहा है कि ये जो होता है ना, ये इस वजह से होता है कि जो तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स हैं, मतलब जो तुम्हारे जो चक्र है ना,
कह रहा है उन चक्रों के कुछ पर्टिकुलर जगहों के जो सेंटर होते हैं ना उनकी वजह से हो रहा होता है ये. कह रहा जब वो एक अपने समाज में रहता है ना तो कहता है कि समाज से सीखता भी है और उनसे सिखाना भी कर रहा होता है वो उन लोगों के साथ रह रहे के. कहते हैं कि ज्यादातर ये इसलिए होता है कि जो तुम्हारा सेकंड और थर्ड यानी ऑरेंज और येलो रे में जो फंसना होता है ना उसकी वजह से हो जाता है ये. इसलिए जब तुम उस समाज में आते हो ना, हो सकता है तुम पहले किसी समाज में रहे हो, तुम ऑरेंज और येलो वाले चक्र में फंसे हुए थे, उस चक्कर में तुम यहाँ पर आते आते तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो गई. अब क्योंकि तुमने काम ही कर्म ही ऐसे कर दिए उस टाइम पर, जब यहाँ आए हो तो तुमने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए, मेरे को लिमिट लगा दो आप ये, वरना मैं अगर यहाँ पे इसी तरीके से दोबारा अगर मैंने कर्म करने शुरू किए ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा आगे तक पहुंचते पहुंचते. और मैम जनरली ये इसलिए होता है कि थर्ड डेंसिटी टू थर्ड डेंसिटी में ज्यादा होता है ये. फोर्थ से कोई अगर थर्ड में आया तो नहीं हो सकता, कि फोर्थ में तो वो पहली वॉन्डरर है. ठीक है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन का है, नेगेटिव वॉन्डरर्स तो आते ही नहीं है यहाँ पे. उनकी तो इतना डर लगता है उन्हें, वो उनको ये डर लगता है कि अगर हम यहाँ चले गए तो हम ही फंस जाएंगे यहाँ पे, जो ओरियन ग्रुप के हैं. तो वो कहता है कि इस केस में ये हो सकता है कि भाई उसका तीसरा दूसरा और तीसरे चक्र में फंस गए हों, वो उसके ब्लॉकेज हो गई है, इस वजह से हो जाता है ये. क्या दोज मोस्ट एक्टिव इन अटेम्प्टिंग टू रीमेक और ऑल्टर द सोसाइटी आर दोज वर्किंग फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ बीइंग करेक्ट पर्सनली और ऑफ हैविंग आंसर्स व्हिच विल पुट पावर इन मोर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन. कह रहे कि ये इसको ठीक करने के लिए ना वो उस समाज में आते हैं और अपने आप को उस तरीके से उस समाज के साथ करते हैं ताकि उनका बिहेवियर दूसरों की तरफ अच्छा हो जाए, अपने आप को ठीक कर सके वो यहाँ पे. ठीक है, और दूसरा जो शक्तियां अगर उसके पास कुछ हैं तो वो उनको ढंग से इस्तेमाल करें यहाँ पे. जो उल्टे हरकतें उसने की है ना वहां पे, कह रहे यहाँ पे आके उसका ढंग से इस्तेमाल कर ले. अब कह रहे दिस मे बी सीन टू बी ऑफ अ फुल ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन ओरिएंटेशन. Either will activate these energy ray center. कह रहा है ये तब भी हो, कह रहा है इसको तुम ऐसे देख सकते हो कि उसने इतने negative काम कर लिए कि वो बिल्कुल ही जब थक हार गया ना इतना कर करके, और उसे लगा कि नहीं यार अब नहीं होना मेरे से ये, अब मेरे को जाना है पॉजिटिव वाली साइड में, मेरे से नहीं होगा अब ये. कह रहे तब वो अपने टोटल सेल्फ को ये, अपने हायर सेल्फ को ये बोलता है भैया लगा दो लिमिट, मेरे को नहीं करना ये सब. कोई बात, वो हायर सेल्फ उसे बताता है कि देख अगर तू ऐसे गया ना तो ये दिक्कतें आ जाएंगी तेरे को. तो कहता है आने दो दिक्कत, कोई बात नहीं, मुझे इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है. ये लोग जितने भी दूसरी गलतताओं में निकल के जा रहे हैं पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में, देखना चाहे इनकी जिंदगी कितनी प्यारी प्यारी है. मैं यहाँ तब भी गधों की तरह काम कर रहा था, आज भी गधों की तरह काम कर रहा हूँ, दूसरों के साथ बुरा कर रहा हूँ, ये सारी चीजें करे चले जा रहा हूँ, अब मेरे को रुकना पड़ेगा, बहुत हो गया. जैसे अंगुली मार डाकू वाली कहानी नहीं है मैम, कि मैं तो ठहर गया तू कब ठहरेगा. यार वो पूरा सर्कल होने के बाद उसको लगता है कि नहीं मेरे को पॉजिटिव वाली साइड में जाना पड़ेगा, इसलिए वो लिमिट लगा देता है अपनी. कह रहा है इसकी वजह से उसके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट जिस तरीके से होते हैं ना वो प्रॉपरली पूरी तरीके से एक्टिवेट होके नहीं आते हैं फिर नीचे के जो है सेंटर. कह रहा देर आर सम फ्यू हु डिजायर्स टू एड सोसाइटी आर ऑफ ग्रीन रे नेचर और अबव. दीज एंटिटीज हाउएवर आर फ्यू ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग मे वी से ऑफ फोर्थ रे दैट यूनिवर्सल लव फ्रीली given is more to be desired than principalities or even the rearrangement of peoples or political structures. यार इस तरीके का व्यक्ति ना तुमको अगर आएगा भी ना उस तरीके के पावर स्ट्रक्चर, मैम जनरली उनकी बात कर रहा है जो इस पावर स्ट्रक्चर में बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो लोग बैठे होते हैं उनकी बात कर रहा है ये. कह रहा है कि इस केस में क्या होता है कि उनकी इच्छा ऐसी होती है कि उनको ना समाज की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर. मैम ये हर किसी के अंदर नहीं होती, किसी किसी के अंदर होती है. कहते दीज एंटिटीज, कहते हैं कि उनको उनका ग्रीन चक्र जो होता है ना वो यहाँ पे आके हल्का सा एक्टिवेट हो जाता है. जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो उनकी ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है. कह रहे दीज एंटिटीज हाउ एवर आर फ्यू ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग वे वी से ऑफ फोर्थ रे दैट यूनिवर्सल लव फ्रीली गिवन इज मोर टू बी डिजायर्ड देन प्रिंसिपैलिटीज और इवन द रीअरेंजमेंट ऑफ पीपल्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि ऐसे लोग तुम्हारे यहाँ पर बहुत कम हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो इस तरीके से आ जाते हैं या समाज के बीच में आ जाते हैं. कह रहे क्योंकि और जो आते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये जो प्रिंसिपल ये जो रूल बना रखे हैं ये किस काम के हैं, अगर एक व्यक्ति के काम के नहीं आए ये तो इनका इस्तेमाल करके तो तुम दूसरों को दबाए जा रहे हो. उसकी ऐसी तैसी कर दी तुमने उस गरीब आदमी की, उसका बेचारा मिडिल क्लास वाले की ऐसी तैसी हो गई, दिन भर गधों की तरह काम कर जा रहा है, तुमने उसे इसी चक्कर में फंसा के रखा हुआ है.
उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की इच्छा होती है उनके अंदर, और उन लोगों को भी हटाने की इच्छा होती है कि इसको हटाओ यार, इसकी वजह से हो रही है दिक्कत यार। इस तरीके के लोग इस तरीके के काम में आ जाते हैं फिर। ये जरूरी नहीं है कि उनके, यहाँ मैम डिसेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि भाई इस तरीके का व्यक्ति, मतलब इस तरीके के डिफेक्ट जो पीछे से इस तरीके के नेगेटिव काम करता हुआ आया होता ना, अगर उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई यहाँ पे आके, क्योंकि वो पावरफुल स्ट्रक्चर में पहले भी था, तेरा वो दोबारा यहाँ पर आता है और चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है फिर वो। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं तुम्हारे बीच, बहुत ही कम। ये जो ऊपर वाला आपने जो फर्स्ट पार्ट आंसर का समझाया था ना, द मैन अनमैनिफेस्टेड सेल्फ में फाइंड इट्स लेसन से लेके ईदर विल एक्टिवेट दीज एनर्जी रे सेंटर्स, शॉर्टकट में और एग्जांपल देके थोड़ा ये पूरा आंसर दोबारा समझाओगे प्लीज? मेरे को समझ में आया पर इतना नहीं समझ में आ रहा, मतलब आई वुड लाइक सम एग्जांपल इफ यू कैन गिव। देखो मैम, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द हैंडीकैप, राइट? नहीं नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हैंडीकैप। ये हैंडीकैप के बारे में बात कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा है ये इंसान। उस तरीके का उसके चक्र ब्लॉक्ड होते हैं इसीलिए वो गलत सोसाइटी में फंसता है, ऐसा कह रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा। उसमें वो ये कह रहा है कि उस तरीके का व्यक्ति पिछले जन्म में हो सकता है किसी पावर स्ट्रक्चर में रहा हो, या समाज के बीच में जैसे होते हैं ना कि एक समाज के बीच में एक लीडर सा बन जाता है हाँ। और दूसरों को दबाने की कोशिश करता है रादर देन उनकी मदद करने के, उनको हाँ। ही गुलाम बना लेता है एक तरीके से अपना हाँ। तो उस तरीके के लोग की बात कर रहा है। नेगेटिव पोलैरिटी का पिछले जन्म में था तो इस जन्म में उसने बोला कि मुझे पॉजिटिव पोलैरिटी चाहिए, इसलिए मुझे इस तरह की जगह पर पैदा करो जहां मुझे दर्द मिले और मैं सीखूं। Am I right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। अच्छा, और उसका सेकंड पैराग्राफ ये है कि जो लोगों का ग्रीन रे एक्टिव है, मतलब वो जो ये सेकंड पैराग्राफ में क्या है जरा दोबारा बताना। सेकंड पैराग्राफ में वो ये कह रहा है यहाँ, हाँ कहते यहाँ आके, क्योंकि बिहेवियर तो मैम उसका वही है ना आर्कटिव, जो रूट ऑफ द माइंड में तो इम्प्रेशन रह जाते हैं ना उसके, तो यहाँ आके उसका बिहेवियर तो वैसा ही रहता है, लेकिन वो इन लिमिटेशंस को अपने अंदर लगा के आता है कि अब मैं दूसरों की सेवा के लिए काम करूंगा, कह रहे लेकिन, और वो आके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज भी करना शुरू कर देगा, लोगों को हटाना भी शुरू कर देगा, ये सारे काम शुरू कर देता है फिर वो, कह रहे लेकिन हम तुम्हें बता दें कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि मैम देखो उसका यहाँ आके हार्ट चक्र ओपन तो हो जाता है, लेकिन अगर वो इसी अगर वो इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आता है ना, वो जब चेंजेस वेंजेस करने की कोशिश करता है ना, तो इसको करने नहीं दिया जाता, तो इसको वो दुख मिलते हैं, फिर इन दुखों के दौरान उसे गुजरना पड़ता है सारे, उसे करने नहीं देंगे उसके साथ मतलब के लोग। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब कि वो धरती पे आने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, तो पॉलिटिशियन तो कोई भी सही नहीं होता है, वो तो सारे गलत होते हैं। हाँ, ग्रीन रहे तो देखो, जनरल स्टेटमेंट नहीं कह सकते ना मैम, वही वाली बात है ना, देखो हमारी आदत है चीजों को जनरलाइज करने की, ऐसे नहीं कह सकते ना हम किसी को भी। लेकिन अब ये देख लें अगर हम इसमें कि ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मैम मतलब केवल ये नहीं होता कि पॉलिटिक्स में कोई आदमी, मैम ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वेलफेयर सोसाइटी में हो गया कोई, तो होती है ना वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, या लोग झुंड बना रखे हैं अपने अपने, तो वहां पर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है वो कर तो दूसरों की सेवा रहा होता है, और जिनकी सेवा कर रहा होता है उन्हीं से गालियां भी पड़ रही होती हैं उसको, तो दुख तो मिल ही रहा है ना उसको। अच्छा ओके, इस वजह से हो जाता है ये। अगर एक एंटिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ हो, would were to be strongly biased towards positive societal effects, मतलब बहुत society के लिए positive करना चाहता हो या उनकी तरफ हो, तो क्या उसका aura yellow, what would this do to his, तो उसके yellow aura yellow ray के साथ क्या होगा? और एक दूसरी तरफ एक दूसरा entity है जो society को rule करना चाहता है, empire मतलब बनाना चाहता है, उसको अपने हाथ में लेना चाहता है बहुत ही कड़े तरीके से, तो जबरदस्ती करके आयन फिस्ट। हाँ, तो दोनों के येलो रे में मतलब के येलो वाले चक्र में, या उनकी जो तौर तरीका होगा जिस तरह से वो येलो रे यूज कर रहे हैं, इसमें दोनों में क्या फर्क होगा? हाँ, तो वो कह रहे कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है और दूसरों की सेवा में लगा हुआ है यहाँ पे,
सोसाइटी की, समाज की, समाज से भी है बेसिकली वो एक तरीके का कह रहा। इसी के ऑपोजिट एक दूसरा है जो समाज में अपना झुंड बना के इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, चाहे उनके ऊपर उसको डंडा ही चलाना पड़ जाए अपना, कि अपना झुंड बनाएगा, वो एम्पायर बनाएगा डंडा चला के दूसरों के ऊपर। तो कहता है कि इन दोनों के पीले चक्र में जो दूसरा चक्र है, दूसरा नहीं तीसरा चक्र है, कह रहा इसमें इसके अंदर का जो ऑरा होता है उसके अंदर क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, आप बता सकते हो मुझे? तो रा कहता है लेट अस टेक टू सच पॉजिटिवली ओरिएंटेड एक्टिव सोल्स नो लॉन्गर इन योर फिजिकल टाइम स्पेस, द वन नोन एज एल्बर्ट हु वेंट इन टू अ स्ट्रेंज एंड टू इट बार्बरिक सोसाइटी इन ऑर्डर दैट इट माइट हील, दिस एंटिटी वॉज एबल टू मोबिलाइज ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वट यू कॉल मनी, ठीक है, दिस एंटिटी स्पेंट मच ग्रीन रे एनर्जी बोथ एज अ हीलर एंड एज अ लवर ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट नोन एज द ऑर्गन, दिस एंटिटीज येलो रे वॉज ब्राइट एंड क्रिस्टलाइज बाई द एफर्ट्स needed to procure the funds to promulgate its effort. However, the green and blue rays were of a toweringly brilliant nature as well. Achha. The higher levels, as you may call them, being activated, the lower, as you may call them, energy points remain in a balance, being quite bright. Achha. So, वो कह रहा है कि इसका उदाहरण हम तुम्हें एक व्यक्ति के नाम से दे सकते हैं, कह रहे जो अब मर चुका है तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा मैम, ज्यादातर ना ये रा ने जो उदाहरण दिए हैं ना वो इस तरीके के दिए हैं जो मर चुके हैं, वो जिंदा लोगों को उदाहरण नहीं देगा, पता चले उसने जिंदा लोगों को उदाहरण दिए, किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया, किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया, तो उसको पता था कि इनको जिंदा लोगों के उदाहरण नहीं देने। कहता है ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण हम तुम्हें देख सकते हैं, कहता है कि द वन नोन एज एल्बर्ट हु वेंट इन टू अ स्ट्रेंज टू इट अ बार्बरिक सोसाइटी इन ऑर्डर दैट इट माइट हील, this entity was able to mobilize great amounts of energy and what you call money. कहता है कि एक उसका नाम था एल्बर्ट, कहता है जो कि एक अजीब तरीके की सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ जहां पर उसको लगा था, और मतलब एक बहुत ही मतलब बारबरिक मतलब आपस में लड़ाई करने वाली बहुत ही बुरी तरीके से आपस में रहने वाली एक सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ था। वो कह रहा है कि वो ये सोच के गया था कि शायद वो हील हो जाएगा। कह रहा है इसने खूब पैसा कमाया और खूब ऊर्जा थी इसके अंदर, खूब पैसा कमाया इसने। कहता है इसने काफी हद तक, कह रहा है इसने अपना जो ग्रीन चक्र है ना, जो हार्ट चक्र है, कह रहा है उसका खूब इस्तेमाल किया एज अ हीलर एंड एज अ लवर ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट नोन एज द ऑर्गन। कह रहा है ये ना एक हीलर का भी काम करता था, पैसा भी खूब कमाया, कहता है कि और एक हीलर का भी इसने काम किया उन लोगों की हीलिंग कर करके, कह रहा है और इसे एक ऑर्गन यानी हारमोनियम टाइप का बजाना बड़ा पसंद था इसको। कह रहा है दिस एंटिटी येलो रे वाज ब्राइट एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय द एफर्ट्स नीडेड टू प्रोक्योर द फंड्स टू प्रमल्गेट इट्स एफर्ट। कह रहा है इसी काम को करते उसे बजाते हैं, वो होता है, ओ सॉरी हाउस मतलब हारमोनियम कह लो, ऑर्गन कह लो, हाँ माउथ ऑर्गन कह लो, मैम ऑर्गन किसी भी चीज को बोल सकते हैं, ऑर्गन कीबोर्ड भी हो सकता है, ऑर्गन खैर छोड़ो ना, इंस्ट्रूमेंट ही तो है, कोई भी हो। तो वो कहता है कि इसका जो पीला चक्र था ना, कहता वो बड़ा ब्राइट था, वो इसीलिए क्योंकि ये जो फंड्स जो पैसे कमाने के लिए जो उसने काम किया ना, कह रहा उसने काम किया इसी तरीके से, लोगों की हीलिंग करके अपने अपने ऑर्गन को बजाता था, लोगों को खुश रखता था, इस तरीके से वो करने की कोशिश करता था। कहता है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें उसका ग्रीन चक्र और उसका नीला चक्र, कह रहा वो भी बड़े अच्छे से टावरिंगली, कह रहा बड़े अच्छे से चमकने लग गए थे उसके, उसके हायर लेवल यानी मतलब हार्ट चक्र के बाद उसका ग्रीन मतलब कौन सा चक्र बोला, ग्रीन हाँ और ब्लू, क्योंकि मैम गले से वो ऑर्गन बजा रहे हैं जैसे आप कह रहे हो ना माउथ ऑर्गन, तो गले का इस्तेमाल तो होगा ही उसका। कहते उस वजह से वो भी उसका बड़ा क्या कहते हैं अच्छे से ब्रिलियंटली उसका वो करने लग गया था, चमकने लग गया था। कह रहे और जो उसके नीचे के चक्र थे ना, जिन चक्रों की तुम बात कर रहे हो पीले रंग के चक्र, कह रहे वो भी अच्छे खासे बैलेंस में आ चुके थे और काफी ब्राइट हो गए थे फिर उसके बाद। कह रहे दूसरा जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, इसका नाम है मार्टिन। कह रहे इस दूसरे का एग्जांपल देते हैं हम, उसने दो सवाल पूछे थे कि एक पॉजिटिव वाला कैसा होगा और एक नेगेटिव वाला कैसा होगा, जो लोगों को डंडा चला के अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और एक दूसरा जो दूसरों की समाज सेवा करता है। कहते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका नाम है मार्टिन। कह रहे दिस एंटिटी डेल्ट इन अ ग्रेट डिग्री विद रादर नेगेटिव ऑरेंज रे एंड येलो रे वाइब्रेटरी पैटर्न, हाउएवर this entity was able to keep open the green ray energy and due to the severity of its testing, if anything,
दिस एंटिटी मे बी सीन टू हैव पोलराइज्ड मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव ड्यू टू इट्स फिडेलिटी टू सर्विस टू अदर्स इन द फेस ऑफ ग्रेट कैटलिस्ट. कह रहे जो मार्टिन था, कह रहे इसके साथ क्या था, इसका जो क्या कहते हैं ऑरेंज और पीला चक्र था ना, कह रहे वो काफी ज्यादा नेगेटिवली था, ये डंडा चला देता था अपने लोगों के ऊपर, इस तरीके का था ये. कह रहे लेकिन उसका दिल का चक्र भी खुला हुआ था. होता है ना कि मैम आप अपने पे तो डंडा चला दोगे लेकिन इच्छा ही होती है दूसरों की सेवा करने की, समझ रहे हो, दोनों चीजें हैं. डंडा अपनों पे चला दिया तूने लेकिन दूसरों की भी सेवा करने की तेरी इच्छा है. कह रहे कि तो लेकिन उसका दिल का चक्र भी खुला हुआ था, तो वो अपना दूसरों की सेवा के चक्कर में क्या हुआ, उसका जब ये खुला, कह रहे तो वो उसका झुकाव दूसरों की तरफ हो गया कि दूसरों की सेवा भी उसे करनी है, जबकि उसको इतनी गालियां पड़ रही थी चारों तरफ से और इतना उसके लिए मैं बहुत भयानक उसके लिए तो माध्यम लगे थे. मार्टिन लूथर किंग की ही शायद ये बात कर रहा है, हाँ उसी की बात कर रहा है. कह रहा है कि इसका क्या कहते हैं जो दूसरों की तरफ जो झुकाव था ना काम करने का, कह रहे इसको खूब खूब गालियां पड़ी इस काम को करते हुए, खूब दबा के. कह रहे लेकिन इसका झुकाव दूसरों की सेवा में था लेकिन ये अपनों पे ही डंडा चला देता था, इस वजह से उसी में से कुछ लोग शायद मैम उसे छोड़ छोड़ के बाहर निकल के उसी को गालियां देना शुरू कर देते थे. कह रहे ये इस तरीके के माध्यम उसको बहुत फेस करने पड़े हैं. और मैम मार्टिन लूथर किंग के साथ ऐसा हुआ था, जिसने मार्टिन लूथर किंग को पढ़ा हो ना उसको पता होगा कि उसके साथ ऐसा हुआ था. अगला सवाल, तो उसने पूछा कि अल्बर्ट और मार्टिन का पूरा नाम क्या था, तो उसने बताया कि अल्बर्ट श्वाइट्जर और मार्टिन लूथर किंग. तो उसने कहा कि हाँ मुझे भी यही लगा था, लेकिन या मतलब कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने पूछा. अब आप मुझे कुछ इस तरह इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए that we have been getting here with respect to the unmanifested self interacting between self and gadgets toys. अब ये जो टीवी मोबाइल फोन इस तरह के जो बनाए हुए हैं inventions जो किए हुए हैं उसको लेकर आप मुझे इस तरह की information कुछ दे सकते हैं, सही और गलत का फर्क. हाँ, कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है क्या आप मुझे बताओगे. तो वो कहता है इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वी अगेन कंसंट्रेट फॉर द मोस्ट पार्ट इन द ऑरेंज एंड इन द येलो एनर्जी सेंटर. कहता है इसका प्रभाव ये जो तुम्हारे फोन, तुम्हारे टीवी, तुम्हारी गाड़ियां, गैजेट्स, ये वो जिसको तुम लेके तुम बड़ा खुश होते हो कि जी हाँ जी आज मेरे हाथ से लग गया, आज मेरे पास तो ये टॉय है और वो टॉय है, दुनिया में तुम दिखा के घूम रहे हो, पता है मेरे पास आईफोन 6 है, 7 है, ये है, वो है. कह रहे लेकिन तुम्हें पता नहीं है इसका इफेक्ट क्या है. इसका पूरा इम्पैक्ट जाके पड़ता है तुम्हारे ऑरेंज सेंटर पे और येलो एनर्जी सेंटर पे. कह रहा इन अ नेगेटिव सेंस मेनी ऑफ द गैजेट्स अमंग योर पीपल दैट इज व्हाट यू कॉल योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस सच एज द लेस कॉम्पिटिटिव गेम्स मे बी सीन टू हैव द डिस्टॉर्शन ऑफ कीपिंग द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स अनएक्टिवेटेड सो दैट येलो एंड ऑरेंज रे एक्टिविटी इज मच वीकेंड thus carefully decreasing the possibility of eventual green ray activation. कह रहा है इसका प्रभाव बहुत, देख लिया मैम आप जरा करना इसको एक्सप्लेन जरा, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, आप करना जरा एक्सप्लेन. हाँ जी 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 जी. तो वो कहता है कि ये सारे जो बात करने के लिए टेलीफोन है, टीवी है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी तुम लोगों को तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें दी हुई हैं, ये इसीलिए दी हुई हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह वगैरह, ये इसलिए दी हुई हैं क्योंकि इससे आपकी शारीरिक एक्टिविटी कम होगी, आप काम कम करोगे और मेहनत कम करोगे, और ऐसा करने से एक आलस्य जो आपके अंदर आएगा उसकी वजह से आपका स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र ये कमजोर हो जाएगा. अब स्वाधिष्ठान और मणिपुर अगर कमजोर हो गया, अगर स्वाधिष्ठान और मणिपुर स्ट्रांग हुआ और आप नेगेटिव की तरफ ओरिएंटेड हुए तो आप लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान हो गए, और अगर ये स्ट्रांग हुआ लेकिन आपका ग्रीन रे एक्टिव है तो आप पॉजिटिव की तरफ ओरिएंटेड हो तो आप कोई ना कोई कलाकार होगे. लेकिन अगर ये दोनों ही चक्र कमजोर हो गए तो आपके मूलाधार चक्र से आपके हार्ट चक्र मतलब कि ग्रीन चक्र तक एनर्जी पहुंचेगी कैसे, कुंडलिनी खुलेगी कैसे,
और आप तो सिर्फ आपके मूलाधार चक्र में ही फंसे रहोगे, मतलब आपके दिमाग में बस ये है बैठे रहो, टाइम पास करते रहो, बाकी सारे काम तो मशीनें कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा मन किया तो सेक्स कर लिया, और हार्ट तो आपका, जब आपका स्वादिष्ठान और मणिपुर ही एक्टिव नहीं है तो हार्ट कहाँ से एक्टिव होगा, तो आपका ग्रीन रे एक्टिव नहीं होगा, तो आपके मन में किसी के लिए प्यार तो आएगा ही नहीं। ये इसका मतलब है। बाप रे, कहाँ तक सोचा है इन कमीनों ने कि इन लोगों को बिल्कुल एकदम कमजोर ही कर दो हर तरीके से, हर तरह तरह से इनको नेगेटिव कर दो, ज्यादा से ज्यादा येलो ऑरेंज नेगेटिव नहीं कर दो, नेगेटिव नहीं कर दो, हाँ नीचे के रूप में फंसा दो, ताकि ये निकलेगा नहीं अगर यहाँ से, ये डेंसिटी रिपीट मारेगा, और जब ये डेंसिटी रिपीट मारेगा किसी और प्लेनेट पे, तो ओराइन उस प्लेनेट को भी टेक ओवर करने की कोशिश करेगा। फिर इतनी लंबी प्लानिंग होती है मैम इस गेम की, ये है वो सीरियल की। यार मतलब आज 200 300 400 साल से ये प्लानिंग चल रही है, अब ज्यादा ही चल रही है, पर ये जितने आजकल की डेट में हमारे हाथों में चीजें आई हुई है, मन तो करता है उठा के समंदर में फेंक दूं। अच्छा ठीक है, अदर्स ये आगे का पैराग्राफ नहीं, बोलो बोलो आप बोलो। अच्छा, अदर्स ऑफ योर गैजेट्स मे बी सीन टू बी टूल्स व्हेयरबाय द एंटिटी एक्सप्लोर्स द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स फिजिकल एंड मेंटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इन सम फ्यू केसेस द स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स, थस एक्टिवेटिंग द ऑरेंज रे इन व्हाट यू कॉल योर टीम स्पोर्ट्स एंड अदर गैजेट्स एज योर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो कहते हैं कि बाकी जो तुम्हारे गैजेट्स हैं, ये हाँ ऊपर तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस और डिस्ट्रैक्शंस की बात की, जो आपके फोन टीवी कंप्यूटर थे, दूसरे जो गैजेट्स हैं जैसे कि गाड़ियां हो गई, आप मतलब अपने शारीरिक और मानसिक कैपेबिलिटीज, मतलब आपके जो कैपेबिलिटीज को क्या बोलेंगे, काबिलियत है उसको, और कुछ जगह पर आपकी आध्यात्मिक जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपका स्वादिष्ठान चक्र मतलब ऑरेंज रे वो जो है एक्टिवेट होगा, जैसे कि आप गेम्स खेलते हो और एक से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियां वगैरह इस्तेमाल करते हो, स्पोर्ट्स करते हो आप, these may be seen to be ways of investigating the feelings of power. ये आपके, यही तो मैं कह रही थी, ये आपके अंदर आप सब में विभाजन पैदा करने के लिए और आपको वो पावर की फीलिंग देने के लिए कि मैं जीतूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर बनूं, वो ईगो आ जाती है इससे, तो ये आपका ऑरेंज चक्र जो है नेगेटिवली एक्टिवेट करता है, मोर स्पेशली पावर ओवर अदर्स और अ ग्रुप पावर ओवर अदर ग्रुप ऑफ अदर सेल्स, जैसे कि फुटबॉल के दो ग्रुप्स खेलते हैं, क्रिकेट के दो ग्रुप्स खेलते हैं, तो वो जो ग्रुप है वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को के ऊपर अपने आप को हावी करे कि नहीं हम तुमसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो पूरे के पूरे ग्रुप को महसूस हो कि हाँ हम तुमसे बेहतर हैं, यही कह रहा है ना वो पा मैम। इस पूरे पॉइंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट मैच कर रहा होता है ना, तो जो जनता उससे जुड़ती है वो एक ग्रुप के साथ जुड़ जाती है, दूसरी जनता दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ जाती है, तो वहां पे पावर ओवर अदर्स की गेम शुरू हो जाती है कि हमें उनको हराना है, उनको हमें हराना है, इस तरीके की जो गेम चलती है ना, ये आपका पीला वाला चक्र पूरा का पूरा नेगेटिव की साइड में धकेल के ले जाती है, ये आपको लगता है कि आपको देखने में मजा आ रहा है, इसका मतलब देख रहे हो मैम। ऊपर पहली बात तो यही गलत था कि टीवी के ऊपर बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, टैलेंट कंपटीशन हो रहा था, पहले तो वो गलत था, उसके बाद वो मतलब बच्चों के अंदर ही वो कॉम्पिटिटिव और पावर वगैरह वो सब चीजें डाल दी, उसके अलावा लोग उसको देखकर इतना ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि उनका अपना ही बच्चा स्टेज पे है, तो पूरी की पूरी जनता को उसके पीछे लगा दिया और ऑरेंज चक्रों को तो बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया, वेरी सैड।
और मैम ये सोचो उन बच्चों के अंदर बचपन से ही कंपटीशन डाल दिया, तो जो बच्चा हारेगा वो जाएगा सैडनेस में, जो जीतेगा उसके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी मैं दूसरों से बेहतर हूँ, इक्वालिटी नहीं बेहतर हूँ, चक्र खराब। प्यार तो है ही नहीं कहीं, रोते हैं बच्चे जो हार जाते हैं बेचारे, बहुत मतलब दिस इज ओके, दिस इज रियली, ये कहां तक दूर तक सोची है उन्होंने। ठीक है, व्हाट इज द जनरल ओवरऑल इफेक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन आवर सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कैटलिस्ट। तो वो सीधे सीधा सवाल कर रहा है कि अब आप हमें ये बताओ कि हमारे सोसाइटी में जो टेलीविजन है उसका हमारी जिंदगी पे और हमारे रेस पे एक माध्यम के तौर पे क्या असर हो रहा है। तो राय यहाँ पे ये कहता है, विदाउट इग्नोरिंग द ग्रीन रे अटेम्प्ट्स ऑफ मेनी टू कम्युनिकेट वाया दिस मीडियम सच इंफॉर्मेशन ट्रुथ एंड ब्यूटी एज मे बी हेल्पफुल, वी मस्ट सजेस्ट दैट द सम इफेक्ट्स ऑफ दिस गैजेट इज दैट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड स्लीप। देख लो मैम राह है ये, मैम छठी गणित बता से बैठे बैठे यहाँ का सब बता दिया इसने, सब कह रहा है इसका इस्तेमाल तो इसके लिए भी हो सकता है कि तुम्हारे को ट्रुथ सच और सुंदरता बताई जाए ताकि तुम्हारा ग्रीन चक्र ओपन हो। कह रहा है लेकिन हम तुम्हें ये भी बता दें इसका ज्यादातर इस्तेमाल तुम्हें विभाजन करने के लिए और दूसरी दिशा में दौड़ाने के लिए और तुम्हें सुलाने के लिए किया गया है। हाँ मतलब तुम्हें भटकाने के लिए और तुम्हारे दिमाग को सुलाने के लिए ताकि तुम सोचने की शक्ति खो बैठो। ओके, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स बोलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, एक मिनट, ये कितना लंबा सेशन है, खत्म ही होने वाला है। अच्छा ठीक है, एक दो सवाल ही और रह गए। कहाँ गया, can you give me the same type of information that we've been working on now with respect to the self relationship with war and rumors of war। ab upar jab ra ne char cheeze batayi thi unmanifested self wagera wagera to usme usne last point yudh aur yudh ki jhooti kahaniyon ke bare mein bataya tha to don usse puch raha hai ki yudh ki afwahein yudh aur yudh ki afwahein अफवाह। हाँ मुझे वो वर्ड याद नहीं आया तो मैंने झूठी कहानियां बोल दिया। तो डॉन उससे पूछता है कि अब मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन दो कि ये इसका असर हमारे पे कैसा हो रहा है, हमारी जिंदगी पे, हमारी आत्मा पे। हाँ इसका प्रभाव कहाँ हमारे पे जाके पड़ता है, पूरी पे, पूरी सोसाइटी की बात हो रही है मैम। वो देख रहे हो आप, वो एक इंसान के बारे, क्योंकि पूछी पूरी सोसाइटी के लिए लिया है अभी सवाल, एक इंसान के लिए नहीं लिया, सभी के लिए पूछ लिया उसने। तो कह रहा है यू मे सी दिस इन अ रिलेशनशिप टू योर गैजेट्स, दिस वॉर एंड सेल्फ रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल परसेप्शन ऑफ द मैच्योरिंग एंटिटी। कह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप, मतलब पहले पूरा पढ़ लेता हूँ मैं, वो कह रहा है देयर इज अ ग्रेट चांस टू एक्सेलरेट इन व्हाटएवर डायरेक्शन इज डिजायर्ड। One may polarize negatively by assuming bellicose attitudes for whatever reason. One may find oneself in a situation of war and polarize somewhat towards the positive, activating orange, yellow, and then green by heroic, if you may call them, these actions taken to preserve the mind-body-spirit complexes of other selves. Nam bada important hai. वो कह रहा है कि देखो इसका relation जाके है तुम्हारे इन्हीं gadgets से, क्योंकि इसकी information भी तुम्हें इसी से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम घर पे बैठे बैठे तुम्हें कोई से बता देगा जी हाँ तुम्हें पता चल गया ये, क्योंकि आप तो अपनी पूरी जिंदगी में अपने आसपास की चीजों में बिजी रहते हो, इसकी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें इन्हीं गैजेट से मिलती है। कह रहे दिस वॉर एंड सेल्फ रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल परसेप्शन ऑफ द मैच्योरिंग एंटिटी। कह रहे इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर, अपने ऊपर, कह रहा ये फंडामेंटल जब तुम इसे देखते हो ना, तो ये उन लोगों के ऊपर ज्यादा जाके पड़ता है जो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, मतलब जवान अवस्था से आगे की अवस्था में जा रहे हैं। कह रहे उनके ऊपर ज्यादा जाके पड़ता है इसका। कह रहा है देयर इज अ ग्रेट चांस टू एक्सेलरेट इन व्हाटएवर डायरेक्शन इज डिजायर्ड। कह रहा है ये बहुत हो सकता है कि कौन किस दिशा में निकल जाए, इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कुछ कह नहीं सकते, और बहुत तेजी से निकल जाए किसी डायरेक्शन में। कह रहा है वन में पोलराइज नेगेटिवली बाय अज्यूमिंग बेलिकोज एटीट्यूड फॉर व्हाटएवर रीजन। कह रहा है ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति नेगेटिवली निकल जाए
ये सोच के कि हाँ जी युद्ध होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, इसको तो ऐसा कर देना चाहिए और इसको तो वैसा कर देना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए और उसके साथ वैसा होना चाहिए। कह रहे एक तो नेगेटिवली इस डायरेक्शन में निकल सकता है। कह रहे वन में फाइंड वन सेल्फ इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर एंड पोलराइज समवॉट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्टिवेटिंग ऑरेंज येलो देन ग्रीन बाय हेरोइक इफ यू मे कॉल देम दिस एक्शन टेकन टू प्रिजर्व द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अदर सेल्फ। कह रहे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है कि कोई उस वॉर के अंदर ही फंस गया, अब वो उस वॉर के अंदर उस युद्ध के अंदर वो फंस गया। ये जरूरी नहीं है ना कि मैम युद्ध होता है अगर मान लो कि देश का दूसरे देश से हो जाए या एक स्टेट का दूसरी स्टेट से हो जाए, कंट्री का दूसरी कंट्री से, किसी का भी हो जाए युद्ध, कहता फंसती तो यही है जनता, उधर से सेनाएं भी फंसती हैं, ये भी फंसते हैं, दोनों फंस गए। कह रहे इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी निकला जा सकता है कि लोगों का ऑरेंज और पीला चक्र और हरा चक्र तीनों ही खुल जाए बहुत बढ़िया तरीके से, वो उस सिचुएशन में एक हीरोइक एक्शन ले लें अगर तो दूसरों को बचाने के लिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इस सिचुएशन में। कह रहे कि फाइनली वन में पोलराइज वेरी स्ट्रांगली थर्ड रे बाय एक्सप्रेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लव एट द टोटल एक्सपेंस ऑफ एनी डिस्टॉर्शन टुवर्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन बेलिकोज एक्शन। कह रहे फाइनली एंड में जाके ये हो सकता है कि वो थर्ड रे कौन सा है अपना अपीला वाला, कह रहा है कि ये हो सकता है, हाँ कह रहा है कि ज्यादातर केस में ऐसा हो सकता है कि मतलब फाइनली ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा उस युद्ध में ही घुस जाए खुद भी। अभी तो वो दूसरों को बचाने में लगा हुआ था, उसको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे लोग मार दिए, अब वो भी युद्ध में कूद गया। कह रहा ये भी हो सकता है वो नेगेटिव साइड में निकल गया पॉजिटिव से जाते जाते। कह रहे इन दिस वे द एंटिटी मे बिकम अ कॉन्शियस बीइंग इन अ वेरी ब्रीफ स्पैन ऑफ योर टाइम। ये नेगेटिव कैसे हुआ? उसने कहा polarize very strongly third ray by expressing the principle of universal love at the total expense of any distortion. At the total expense of any distortion towards involvement in the bellicose action. समझो ना? At the total expense. वो कह रहा है वो total expense of any distortion towards involvement in the bellicose action. अभी तो मैम वो heroic action कर रहा था, दूसरों को बचाने में लगा हुआ था अपने आसपास के लोगों को, ठीक है, या कह लो अपने देश को। कह रहा है लेकिन अचानक से क्या हुआ, उनको बचाते बचाते उनमें से एक भी उसके आसपास का इधर उधर हो गया ना, तो उसके अंदर वो गुस्सा डेवलप हो जाएगा और वो गुस्सा डेवलप होते ही वो यूनिवर्सल लव को रखेगा, दूसरों की तरफ प्रेम को रखेगा साइड में, कह रहा घुस जाएगा युद्ध में। अच्छा, कह रहा है उसकी वजह से उसका तीसरे चक्र में वो फिर फंस गया वहां पे। इन दिस वे द एंटिटी मे बिकम अ कॉन्शियस बीइंग इन अ वेरी ब्रीफ स्पैन ऑफ योर टाइम स्पेस। This may be seen to be what you would call traumatic progression. कह रहा है इससे ये भी हो जाता है कि जब वो इस छोटे सी मतलब इस युद्ध के दौरान जो उसने जिस अनुभव को उसने लिया है ना, उसकी वजह से वो ट्रॉमा में भी जा सकता है। कह रहा उसको ट्रॉमा हो जाता है। मैम उनसे पूछना जो लोग युद्ध में गए होते हैं ना, उनसे पूछना, उनकी जिंदगियां पूरी ऊपर से नीचे हो जाती हैं, पूरी जिंदगियां उनकी ऊपर से नीचे हो जाती हैं। तो फिर ये अगर ये नेगेटिव साइड चला गया तो how is he saying that the entity may become a conscious being? अगर वो negative side में था तो conscious कहाँ से हुआ? मैम consciously तो घुसा है ना, ऐसे थोड़ी ना घुस गया वो। उसने देखा कि मेरे साथ का मर गया, अब वो घुस गया युद्ध में उसके चक्कर में, तो जानबूझ के घुसा ना। जानबूझ के घुसा, लेकिन अपनों को वो ये भी तो कर सकता था बचाने के लिए घुसा ना। अरे मैम एक मर गया, दो मर गए, उस सिचुएशन में वो ये भी तो सोच सकता था ना कि अरे यार एक दो तो मर गए, अभी जो बचे हुए इनको तो बचाऊं। वो उसका गुस्सा उसके अंदर डेवलप होता और वो निकल गया उस डायरेक्शन में फिर से युद्ध में। Are you sure that this paragraph is this? बिल्कुल मैम, बिल्कुल उल्टा लग रहा है, क्योंकि नहीं मैम बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल श्योर है इस पार्ट को लेकर। इसकी वजह से हम तुम्हें ये बता दें कि इसकी वजह से जो ट्रॉमा होता है ना, जिस ट्रॉमा के दौरान मतलब जिस दुख के दौरान वो लोग, बहुत तीखा दुख होता है ये, कह रहे इसके दौरान जो निकले होते हैं ना उसका इतना तीखा दुख होता है ना, ये माध्यम ही ऐसा होता है कि बड़ा बुरी तरीके से जाके उनकी जिंदगियों पे प्रभाव डालता है।
कहता है और हम तुम्हें ये भी बता दे ज्यादातर लोग तुम्हारे धरती के ऊपर इसके ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे हैं, हम तुम्हें ये भी बता दें। लेकिन वो ये कह रहा है जब जब युद्ध होता है ना, कितने युद्ध हो गए मैम इस धरती के ऊपर, सोचो ना, एक आध देखा जाता। वो ये कह रहा है कि आपके धरती के ऊपर बहुत सारे लोगों का इस ट्रॉमा की वजह से प्रोग्रेशन हुआ है, डिग्रेशन नहीं हुआ, प्रोग्रेशन हुआ है। तो प्रोग्रेशन और कॉन्शियस बीइंग पॉजिटिव तरफ होता है, नेगेटिव तरफ नहीं होता है। और मुझे जो प्रोग्रेशन दोनों तरफ हो सकता है, प्रोग्रेशन दोनों तरफ हो सकता है। मुझे जो यहाँ पे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो यूनिवर्सल लव के इंटेंशन से, वो भले बेलिकोस एक्शन में इन्वॉल्व हुआ लेकिन वो यूनिवर्सल लव के इंटेंशन से हुआ। और आप क्या कर्म करते हो उसके पीछे आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। मैम बिल्कुल मायने रखता है, मैं कह तो रहा हूँ आपके सामने दो सिचुएशन है, आपके साथ का एक मर गया, ठीक है, अब आपके अंदर गुस्सा आया कि मैं सामने वाले को मार दूं, आप भूल गए वो यूनिवर्सल लव। पहली तो ये सिचुएशन है, आपके साथ में बुरा हुआ, आपने दूसरे की बुरा करने के लिए उस डायरेक्शन में निकल गए। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है उसी सिचुएशन में कि यार मेरे वाले के साथ बुरा हो गया, अरे हो तो गया लेकिन ये जो दो बचे हुए इनको तो बचाऊं मैं अब, ये भी तो हो सकता है ना। तब भी वो यूनिवर्सल इस डायरेक्शन में, वो यूनिवर्सल लव में निकल गया, उधर वो नेगेटिव वाली साइड में निकल गया, वो भूल गया कि ये सामने वाला भी मैं ही हूँ। मैं यही तो कह रही हूँ कि यूनिवर्सल लव में वो अपने जो बचे हैं उनको बचाने के चक्कर में वो उस वॉर में कूदा और वहां से उसको समझ में आया कि मैं वो बचाने गया, सामने वाले को मारने नहीं गया, तो उनको कहीं ना कहीं से बचाने के लिए उसको उन लोगों को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही होंगी और इसके वजह से उसे ट्रॉमा भी हो रहा होगा। लेकिन उस ट्रॉमा की वजह से आप प्रोग्रेशन जब करते हो तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। व्हाट इज योर क्वेश्चन प्रियंका? वैसे मैम आपको एक चीज बताएं, इसका एक सलूशन गांव में, गांव के बहुत पहले के लोग हुआ करते थे, उन्होंने इसका एक सलूशन निकाला था कि हमें इस डायरेक्शन में भी ना जाना पड़े और हम ये इस नेगेटिव वाली साइड में भी ना जाएं। वो मारते नहीं थे, वो बंधक बना लेते थे सामने वाले को, बंधक बना के उसको बैठाएंगे, उसे खाना पीना सारा कुछ खिलाएंगे, उधर रखते थे अपने साथ, और जब वो उनमें घुल मिल जाता था ना वो खुद ही छोड़ देता था सारी चीज। अच्छा, ये पहले के जमाने के लोग किया करते थे, ऐसे काफी लोग किया करते थे और आज भी कई गांवों में ऐसा होता है, पता है आज भी होता है कई गांवों में ऐसा। हाँ प्रियंका बोलो। या आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि वो फुटनोट में है कि वो थर्ड रे नहीं फोर्थ रे है जो राने बाद में करेक्ट किया है, जो पोलराइज होता है, एक्टिवेट होता है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ वो कह रहा है कि वो ग्रीन वाला जो चक्र है उसकी वजह से, ओ सॉरी, हाँ यार मैम गिनी मैम आप सही कह रहे थे, एक मिनट रुकना जरा। वो कह रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्गली बाय एक्सप्रेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एट द टोटल एक्सपेंस ऑफ एनी डिस्टॉर्शन टुवर्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन द, हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे थे, दूसरों को बचाने के लिए वो भी युद्ध में कूद गया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन मैम मेरा पॉइंट भी अगर आप समझने की कोशिश करो ना, पॉइंट मेरा भी सही है, पॉइंट आपका भी सही है, आपका पॉइंट सही है, लेकिन मुझे उनके वर्ड से मेरे को जो समझ में आया वो मैंने बोला। और वही बात डॉन ने पूछी कि आपने येलो रे की बात की, थर्ड चक्र मतलब मणिपुरा की, लेकिन क्या आप वही कहना चाह रहे थे? तो रा ने बोला नहीं नहीं मेरा मतलब ग्रीन रे से था, के मतलब ग्रीन हार्ट चक्र, के उसका हार्ट चक्र खुल जाता है, मैं येलो रे के बारे में बात नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कि अ डिफिकल्टी लाइज इन आवर परसेप्शन ऑफ रेड रे एंड वायलेट रे इज फिक्स्ड। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो लाल और वायलेट रे है वो तो फिक्स्ड है, और जो उसके बीच के जो मूलाधार और सहस्रारा के बीच के जो पांच रे हैं, those which are wearing are to be observed as those indications of seniority in the attempts to form and harvest, ये जो है ये बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे के तो वही रहते हैं, लेकिन ये जो पांच है क्योंकि ये घनिष्ठता के हिसाब से भी इनके रंग बदलते हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कौन सा रंग है उसके सीनियोरिटी के हिसाब से हम हार्वेस्ट करते हैं। एंड as to be observed as those indications of seniority in the attempts to form an harvest, तो वो रंगों के हिसाब से हम लोग, मैं यही कह रहा ना वो पा? हाँ मैम बिल्कुल यही कह रहा है। हाँ
फिर डॉन पूछता है कि जो मूलाधार चक्र है, रेड रे है, ये काफी इंटेंस, इंटेंस को अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने मैम, वैसे ऊपर वाला पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसने ये कहा था तीव्र, एक सेकंड उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये कहा था, उसने ये कहा था कि यू जस्ट स्टेटेड द टर्म थर्ड रे इन द स्टेटमेंट, वाज दैट टर्म यू मेंट टू यूज, वो कहता है आपने कहा तीसरा चक्र, यानी पीले चक्र की बात कर रहे हो, ऑरेंज चक्र की बात कर रहे हो ना आप, येलो की, सॉरी। तो रा चेंज करता है अपनी टर्म, वो कहता है कि नहीं नहीं हमारा मतलब ग्रीन का था, कह रहा है हमारी दिक्कत ये हो रही है कि हम इतनी मतलब उससे देख रहे हैं तुम्हें, तो कह रहा है हम उसको करेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, तो हम तुम्हें दोबारा बताते हैं ग्रीन चक्र की बात कर रहे हैं हम, हार्ट चक्र है उसकी बात कर रहे हैं, कह रहा है हमारी मुश्किल ये हो रही है कि जो लाल और जो लाल से लेके ये जो एंड वायलेट रेज एस्पेक्ट, कहते हैं जो ये जो सबसे तुम्हारा मूल चक्र होता है, जो रूट चक्र होता है, और जो तुम्हारा वायलेट यानी पिनियल, पिनियल ग्लैंड जो होता है तुम्हारा, क्राउन चक्र, कह रहे ये दोनों फिक्स होते हैं, कह रहे इसके बीच के जितने भी चक्र होते हैं ना उनके अंदर चेंजेस चल रहे होते हैं, कह रहे और इसी से हमें पता चलता है कि कौन सीनियर है जिसको हम भेजें यहाँ पर और वो जाके अपनी हार्वेस्ट बना ले यहाँ पे और निकल जाए किसी भी डायरेक्शन में उसको जाना है, सर्विस टू सेल्फ में निकल जाए या सर्विस टू अदर्स में निकल जाए, कह रहे इसी से हमें पता चलता है। तो वो कहता है कि रेड रे जो कि बहुत ही तीव्र लाल है then be used as an index, तो क्या इसके बिना पर आप सीनियोरिटी या कौन एक पुराना बहुत हजारों साल से बहुत सारे जन्म लेके आया है यहाँ पर और साथ ही में जिसका सहस्रार मतलब वायलेट रे बहुत इंटेंस है, तो लाल और वायलेट जिसके बहुत ज्यादा तीव्र हों क्या उन लोगों की हार्वेस्ट पहले होगी, वो सीनियर माने जाएंगे इनकार्नेशन के लिए, यही कहा उसने। तो इसका जवाब, अरे मैम गला दुख गया पता बोलते बोलते, कोई नहीं चलो मैं फिर भी करता हूँ, पता नहीं क्या गला में दर्द हो रहा है अचानक से, छोड़ तो मैं बोलती हूँ, रुक जाओ, गले में दर्द हो रहा है तो अपने गले को तकलीफ मत दो, मैं जितना बोल सकती हूँ बोलती हूँ, जहाँ मैं गलत होंगी मुझे करेक्ट कर देना या कुछ रह जाएगा तो आप बता देना। तो रा कहता है नहीं ये आधा सच है, पूरी तरह सच नहीं है, ग्रेजुएशन या हार्वेस्टिंग में जो चौथी घनिष्ठता मतलब पॉजिटिव साइड मतलब के प्यार वाली साइड पे, सर्विस टू अदर्स वाली साइड पे जब ग्रेजुएशन होती, एक सेकेंड ना एक कॉल है, एक सेकेंड, हेलो वो कहता है कि चौथी घनिष्ठता में जो पॉजिटिव साइड वाले पे ग्रेजुएशन हो रही है, द रेड रे इज सीन ओनली एज दैट व्हिच बीइंग एक्टिवेटेड इज द बेसिस फॉर ऑल दैट अकर्स इन द वाइब्रेटरी लेवल्स, द सम ऑफ दिस बीइंग वायलेट रे एनर्जी। जो लाल रे है वो इस हिसाब से देखा जाता है कि वो एक्टिवेट हो गया, बाकी के सारे जो चक्र हैं उनको एक्टिव करके सहस्रारा पे पहुंचने के लिए, क्या ऐसा ही बोल रहा है वो, हार्वेस्टिंग फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव रेड रे सीन ओनली एज दैट व्हिच बीइंग एक्टिवेटेड इज द बेसिस फॉर ऑल दैट। मैं करता हूं। तो सवाल क्या था, सवाल उसने किया था कि सवाल एक बार मैम रिपीट कर दो फिर मैं जवाब देता हूँ इसका, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो ये पूछ रहा है कि अगर लाल और लाल रे या वायलेट रे जो है अगर वो बहुत तीव्र हो किसी इंसान में तो उसको फिर क्या सीनियर समझा जाएगा और हार्वेस्टिंग के लिए उसको पहले मतलब लिया जाएगा, ये सवाल है। तो वो कहते हैं दिस इज पार्शियली करेक्ट इन द ग्रेजुएशन और हार्वेस्टिंग टू फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव द रेड रे इज सीन ओनली एज दैट व्हिच बीइंग एक्टिवेटेड इज द बेसिस फॉर ऑल दैट ऑकर्स इन वाइब्रेटरी लेवल्स द सम ऑफ दिस बीइंग वायलेट रे एनर्जी।
वो कह रहे कि ये कुछ हद तक सही है, मतलब पार्शली कुछ हद तक सही है। कह रहे जिनकी ग्रेजुएशन होने होती है ना, मतलब चौथी घनत्वता पॉजिटिव वाली में, वो पॉजिटिव की बात कर रहा है, रहा नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है अभी। कह रहे जिनकी उस तरफ होने वाली होती है ना, कह रहे जो तुम्हारा मूल चक्र है, मतलब जो रूट रे है, जो रेड रे है, कह रहे इसको ऐसे देखा जाता है कि एक्टिवेट तो हो गया है, मतलब शुरू तो हो गया इसमें काम, कह रहे लेकिन वो केवल बेसिक लेवल पे हुआ है, पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ, उसको बस इतना ही देखना उसको। मैं बेसिक लेवल पे तो हो गई ना, क्योंकि उसमें चीजें हैं क्या, उसमें सर्वाइवल है, इच्छाएं हैं, कंफ्यूजन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। फिर वो बेसिक लेवल पे एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जब वो बेसिक लेवल पे एक्टिवेट होता है और आगे चलते 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 बाकी के भी एक्टिवेट होते चले जाते हैं ना, इन सब का जो सम होता है, सम मतलब इन सब जमा होता है जो, वो जाके तुम्हारा होता है क्राउन चक्र में, जो टॉप में जो तुम्हारा चक्र है, क्या बोलते हैं मैम, सहस्त्र क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं मैम क्राउन चक्र को, हाँ सहस्त्रारा जो आपका चक्र है ना। तो कह रहे जितने भी चक्र होते हैं ना, इनका सबका जाके जो सम होता है ना, जो जमा होता है, जोड़ होता है, कह रहे वो जाके तुम्हारे इसमें होता है सहस्रारा में। सहस्रारा का कुछ काम नहीं होता, वहां पे जाके तो केवल सम होती है सारी चीजें, बस इतना ही होता है। कहते दिस वॉयलेट रे इज दी ओनली कंसिडरेशन फॉर फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव। कह रहे इन assessing the harvestable four density negative, the intensity of the red ray as well as the orange and yellow ray is looked upon quite carefully as a great deal of stamina and energy of this type is necessary for the negative progression, it being extremely difficult to open the gateway to intelligent infinity from the solar plexus center. Solar plexus center heart center, theek hai. So this is necessary for harvest in fourth density negative. हाँ कह रहे कि देखो अगर हमें किसी का ये देखना होता है ना कि कोई फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में जाएगा, मतलब चौथी घनत्वता पॉजिटिव वाली में, मतलब जो ये कन्फेडरेशन के साथ और इन लोगों के साथ मिलने वाली जो होती है, कह रहे अगर हमें वो देखना होता है तो हम देखते हैं तुम्हारा सहस्त्रारा कि उसमें जाके जो जोड़ बना है वो कितना बना है। कह रहे लेकिन अगर हमें किसी को ये देखना होता है ना कि भाई ये नेगेटिव में जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि उसका ऑरेंज येलो और लाल, कह रहे ये कितना चमक रहा है, क्योंकि इसके लिए उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत शक्ति और ऊर्जा चाहिए होती है नेगेटिव रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि मैम बहुत स्टेमिना बहुत चाहिए होता है उस चीज के लिए, दूसरे के लिए गलत करना बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है उसके लिए, और ऊर्जा भी बहुत लगती है उसके अंदर। कह रहे इट बींग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ओपन द ग्रेट वे टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी फ्रॉम द सोलर प्लेक्सस सेंटर। कह रहे ये जो तुम कह रहे हो ना ऑरेंज रे, जो तुम्हारा सेकेंड सेंटर है, कह रहे वहां से रचयिता की अनंत बुद्धिमानी तक पहुंचने में बड़ी ताकत लगती है, इतना आसान नहीं है वहां पहुंचना जितना तुम्हें लगता है। कह रहे इसीलिए हम उनके नीचे के चक्र देखते हैं कि इनके नीचे के चक्र में कितनी चमक है। कह रहे अगर इन तीनों को हम लोग देखते हैं उससे ये डिसाइड होता है कि नेगेटिव वाली हार्वेस्ट का बना या नहीं बना। कह रहे क्योंकि मैम उससे निकल के सीधा अनंत बुद्धिमानी तक जाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। जो लव वाले उससे जाते हैं ना, वो तो एक बार खुला, फिर गला भी खुला, फिर पिनल ग्लैंड भी खुल जाएगा, खुलते खुलते सबका सम हो जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक का। लेकिन जो इसमें नेगेटिव वाली साइड में होता है ना, उनका नीचे के तीन ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो हार्ट चक्रा होता है ना उस पर तो उन्होंने गांठ लगा दी होती है अपने अच्छे तरीके से, ये दिल तो होता ही नहीं है उनके अंदर, मारना है तो सामने वाले को मारना ही है उनका, ऐसा ही होता है बस, वो नहीं दिखाते किसी पे भी दया, इसलिए उसके नीचे के चक्र देखे जाते हैं। Bapre. Is it possible for you to use as an example a general pattern and tell me the effect that war had on him in his development? Kya aap hame misal ke taur pe hamare general pattern ke bare mein bata sakte ho ke yuddh ka asar unke upar aur unki tarakki mein, tarakki matlab aatmik adhyatmik tarakki mein kya asar kiya hai? हाँ तो वो कहता है दिस विल बी द लास्ट, कहता है मैं कोशिश करती हूँ, मैं अगर हुआ तो कोशिश करती हूँ। नहीं मैम मैं कर देता हूँ लास्ट सवाल है, मैं फटाफट खत्म करता हूँ। भाई आपके गले को कुछ हो गया तो हमारी बैंड बज जाएगी, फिर आगे के सेशन नहीं, कुछ नहीं होगा देखना। अभी मैं इसके बाद मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊंगा, सब नॉर्मल हो जाएगा मेरा, मुझे पता है मेरे को अपने आप को रिकवर कैसे। ठीक है।
वो कहता है कि दिस विल बी द लास्ट फुल क्वेश्चन ऑफ दिस वर्किंग द वन ऑफ होम यू स्पीक नोन एज जॉर्ज वॉज वन इन होम द प्रोग्रामिंग ऑफ प्रीवियस इंकारनेशन हैड क्रिएटेड अ पैटर्न और इनर्शिया विच वॉज इनरेसिस्टेबल इन इट्स इनकारनेशन इन योर टाइम स्पेस दिस एंटिटी वॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग येलो रे एक्टिवेशन एंड फ्रीक्वेंट ग्रीन रे ओपनिंग एंड ओकेजनल ब्लू रे ओपनिंग However, it did not find itself able to break the mold of previous traumatic experience of a bellicose nature. वो कह रहे हैं ये जो जिसकी तुम बात करते हो ना कर रहे हो ना जॉर्ज पैटर्सन जॉर्ज जनरल जॉर्ज पैटर्न मैम ये जॉर्ज पैटर्न वहाँ का एक जनरल हुआ करता था जो कि युद्ध में गया था आई थिंक वियतनाम वॉर में या तो वियतनाम वॉर में गया था या फिर हाँ वियतनाम में था या फिर हिरोशिमा नागासाकी वाली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें गया था ये कहता है कि उसकी जो पुरानी जिंदगियां थी ना उसके अंदर इस तरीके का ना उसका पैटर्न उसका ये युद्ध वाला पैटर्न बनता ही चला गया था और वो ही चीज उसकी जिंदगी में वो घर कर गई थी उसके रूट ऑफ द माइंड में कह रहे तो इसीलिए यहाँ पे आके वो युद्ध और इस तरीके की चीजों को ना अपने अंदर से निकाल नहीं पाया कह रहे उसी तरीके की चीजें उसकी उसका झुकाव उस तरह का यहाँ पर भी हो गया कह रहे कि दिस एंटिटी वॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग येलो रे एक्टिवेशन कह रहे उसका पीला चक्र इतनी तेजी से चमकता था कि पूछो मत कभी कभी हरा जो चक्र उसका दिल का चक्र है वो खुल जाता था मतलब कभी कभी किसी के लिए अच्छा कर दिया तो कर दिया कहते हैं और कभी बहुत ही कम ऐसा होता था कि उसके गले से मैम ये जनरल पैटर्सन बहुत कम बोलता था ये बहुत कम बोलता था ये डंडा चला जाता था अपनी पूरी टीम के ऊपर और युद्ध का बहुत माहिर था युद्ध में ये तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कभी कभी ऐसा होता था कि भाई उसका नीला चक्र जो गले वाला जो है वो हो जाता था ओपन कह रहे लेकिन आपको तुमको ये बताते हैं कि वो अपनी प्रीवियस जितनी भी जिंदगियां थी ना उसका जो पीछे से एक्शन चले आ रहे थे कह रहे उसके ट्रॉमा को रोक ही नहीं पाया वो कह रहे इसकी वजह से उसका बेलिकोज नेचर मतलब युद्ध की और इस तरीके की लड़ाई मार धाड़ की उसकी नेचर बन गई यहाँ पे कह रहे दिस एंटिटी पोलराइज समवट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इन इट्स इंकारनेशन ड्यू टू इट्स सिंगलनेस ऑफ बिलीफ इन ट्रुथ एंड ब्यूटी कह रहे दिस एंटिटी वॉज क्वाइट सेंसिटिव It felt a great honor duty to the preservation of that which was felt by the entity to be true, beautiful, and need of defense. This entity perceived itself as a gallant figure. Nam gallant ka matlab dhoondna tab tak aap. It polarized somewhat towards the negative in its lack of understanding the green ray it carried with it, rejecting the forgiveness principle which it implicit in universal love. Keh rahe ki dekho, halanki hum tumhe ye bata dein कि इसका बिलीव तो ये बहुत ज्यादा था कि भाई उसे सच और सुंदरता कह रहे यही दोनों ये दोनों बहुत पसंद थी उसको कह रहा बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके का हुआ करता था मैम आप लोगों को एक बात बता दें हिटलर भी बड़ा सेंसिटिव था देखने में वो भी बड़ा सेंसिटिव लगता था लेकिन था कितना क्रूर सोच के देखना सेंसिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रूरता नहीं दिखा सकते क्रूरता तो आप दिखा सकते हो ये इसी में तो फंस जाती है पूरी जनता इसी को तो कहते हैं कि जनता क्या पूरी दुनिया इसी में फंस जाती कि अरे ये तो बड़ा अच्छा भाई दिल का लेकिन उसकी क्रूरता आप अंदाजा नहीं लगा सकते इट फेल्ट अ ग्रेट ऑनर ड्यूटी टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दैट विच वॉज फेल्ट बाय द एंटिटी टू बी ट्रू ब्यूटीफुल एंड इन नीड ऑफ डिफेंस कह रहे कि वो अपनी बड़ी अंदर से अपना गर्व और ड्यूटी महसूस करता था कि दूसरों की रक्षा करनी है मुझे कह रहे इस तरीके का था वो क्योंकि उसे सच और सुंदरता और ये सारी चीजें बड़ी पसंद थी उसको अब सुनने में तो मैम बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई दूसरों को बचाना चाहता है कहते और ये बहुत ही शक्तिशाली तरीके का था गैलेंट मैम पता नहीं मेरे को मीनिंग क्या गैलेंट का कह रहा बड़ा गैलेंट टाइप का था ये अब मैम गैलेंट का जो भी मतलब गैलेंट का तो, मतलब ये होता है कि जो बहादुर हेलो बहादुर हाँ गैलेंट गैलेंट का मतलब थोड़ा सा ये होता है कि जो इंसान सबकी इज्जत करता हो और बहादुर तो हो लेकिन उसके साथ में लोगों की इज्जत करना भी जानता हो तो वो कह रहा है कि हाँ इस तरीके का व्यक्ति था वो कह रहे हालांकि इस वजह से ना वो एक्चुअली वो पूरा का पूरा लेकिन उसका झुकाव जो था ना वो पूरा नेगेटिव साइड में हो गया क्योंकि उसके अंदर बस एक चीज नहीं थी मतलब उसके दिल में ये उसका ग्रीन रे जो था ना वो ये नहीं था कि वो दूसरों को माफी दे दे कह रहे माफी वाली चीज नहीं आई कह रहे जो कि बेसिक नीड है यूनिवर्सल लव की माफी देना कह रहा वो नहीं थी उसके अंदर बस कह रहा उस वजह से उसका पूरा झुकाव नेगेटिव वाली साइड में ही हो गया कह रहा द सम टोटल ऑफ दिस इंकारनेशन वाइब्रेशनली वाज अ स्लाइट इंक्रीज इन पॉजिटिव पोलैरिटी बट अ डिक्रीज इन हार्वेस्टेबिलिटी ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ द वे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
दैट इज सीइंग यूनिवर्सल लव येट स्टिल फॉट ऑन. कह रहे इसका जो पूरा जो इसका जन्म था ना, कह रहे जब इसका हमने पूरा का पूरा चेक किया ना, तो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी तो थी, वो ऐसा तो नहीं था कि उसका पॉजिटिव नहीं था. कह रहा लेकिन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना वो नहीं लग पाई कि दूसरों के पति प्रति भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है, माफी भी तो देनी होती है किसी को. ठीक है उससे गलती हो रही है, माफ भी तो करेगा. कह रहा वो ना होने की वजह से लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर लग रही थी, इसलिए उसकी हार्वेस्ट नहीं हो पाई, हार्वेस्टेबिलिटी ग्रेड का नहीं बन पाया वो. कह रहे क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि माफी देना और इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना भी एक तरीका है पूरी यूनिवर्स के लव को शो करने का अपने अपने एक्शन के अंदर. कह रहा वो नहीं कर पाया बस वो. कह रहा इस वजह से वो हार्वेस्टेबल ग्रेड का बन ही नहीं पाया. कह रहा येट स्टिल फॉट ऑन. कह रहा लेकिन अभी भी लगा भाई था वो मतलब लड़ाई और युद्ध में. लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग थी, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ नहीं आई और उसे ये भी समझ नहीं आया कि दूसरों को माफ भी करना होता. माफ तो वो करता ही नहीं था किसी को, लेकिन उसके अंदर ये जरूर था कि मुझे दूसरों को बचाना है, ये करना है, वो करना है, मेरा देश, मैं ये और मैं वो, और ये सारी चीजें तो उसके अंदर भर के थी, लेकिन माफी नहीं थी उसके अंदर दूसरों के लिए. ओके जाबो कुछ पूछना चाह रही है शायद. जाबो एक मिनट मैम, एक सवाल और था उसने. कह रहा डू वी हैव इनफ टाइम फॉर मी टू आस्क इफ द डेथ ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेसेशन ऑफ वॉर ऑफ दिस एंटिटी कुड दैट हैव बीन सो दैट इट कुड बी इमीडिएटली रीइंकार्नेटेड टू पॉसिबली मेक हार्वेस्ट. तो वो कहता है दिस इज प्रिसाइसली करेक्ट. कह रहे तो आप हमें ये बता सकते हो कि उसकी ये जो युद्ध जब उसने सारा कुछ कर लिया उसके बाद बड़ी जल्दी इसकी मौत हो गई. कह रहा तो क्या इसकी मौत का कारण ये था कि जल्दी से मरे और एकदम से तेजी से दोबारा इसका यहाँ पे जन्म हो ताकि ये कम से कम हार्वेस्टेबल ग्रेड का बन पाए. क्योंकि देखो वो कह रहा है ना कि लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बाकी चीजें तो उसकी सही थी. कह रहा लेकिन वो माफी नहीं थी उसके अंदर, उस वजह से वो हार्वेस्टेबल नहीं हो पाया. तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है. कह रहा है कि तभी उसकी जल्दी मौत हुई ताकि वो यहाँ पे जल्दी जन्म ले ले और अपनी हार्वेस्ट बना सके. तो रा कहता है हाँ ये तुम काफी हद तक सही कह रहे हो. हाँ उसने दोबारा यहाँ पे जन्म लिया है. अब वो ये नहीं बताएगा कहाँ लिया है कैसे लिया है. वो कह रहा है यहाँ दोबारा जन्म लिया है उसने ताकि वो अपनी हार्वेस्ट कंप्लीट कर सके, हार्वेस्टेबल ग्रेड का हो सके, या तो नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड जो भी है. तो मैम यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है. कोई सवाल था शायद मैम, इसका जवाब आप भी देख सकते हो मैम. पा का गला खराब है तो आप भी दे सकते हो. ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं मैम, हेलो, इनके कौन से चक्र ये ब्लॉक होते हैं या खराब होते हैं या इम्बेलेंस होते हैं जो ये ऑटिस्टिक मतलब पैदा होते हैं या. सेशन आप दोबारा सुनना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा. ये सेशन दोबारा सुनना आप, क्योंकि सेशन जब एक वो तो मैं सुनूंगी फ्लो में होता है ना, फ्लो में होता है तब नहीं समझ में आती चीजें. जब सेशन खत्म हो जाता है उसको दोबारा सुनते हैं ना तभी. हम यूट्यूब पे भी मैम आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको यही कहते हैं, अगर आपको लग रहा है ना आप एक बार में एक सेशन सुन लोगे और आपको आ गई कहानी समझ में, तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे दोस्त, बहुत कुछ. और अब जितने भी आगे वाले सेशन होने वाले इतने इंटेंस होने वाले हैं ना कि अगर आपने एक एक सेशन को दो दो बार तीन तीन बार नहीं सुना ना तो आप नहीं कर पाओगे आगे का कोप अप. बता रहे हैं हम आपको, ये आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं. एक एक सेशन को दो दो बार सुन लो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको खत्म ही करना है. सेशन चलते रहेंगे, आपके पास टाइम है, आप सब करते रहो. ठीक है, मतलब करते रहो मतलब हम आपको ये नहीं कह सकते कि तू ऐसा कर या ना कर, चॉइस है दोस्त, आपको करना हो तो कर लेना, नहीं करना है तो जैसी आपकी इच्छा. रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? नहीं तो ये कैटलिस्ट क्या वहीं से लिखा के आते हैं जो ऑटिस्टिक जो बच्चे रहते हैं? वही वाली बात है मैम जाबू जी, आप एक बार दोबारा सेशन को एक बार ट्राई करके तो देखो. मैं सुन लूंगी पाप, पर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ. अंदर दो तीन बातें हैं जाबो, तो ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है. आपको वो सही कह रहे हैं, आपको सेशन दोबारा सुनना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही नहीं है कि वो पिछली बार जैसे पा ने बोला था कि ये जो होते हैं ये वांडरर्स होते हैं, या इसमें और भी एक दो बातें हैं. आपने जाबो आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है
तो एक बार इसे दोबारा सुनो, दोबारा मतलब एक बार इसे पूरा सुनो और फिर बच्चे को मतलब बच्चे की क्या जिंदगी है उसके हिसाब से आज की जिंदगी को देख के आपको समझ में आएगा, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो तो. तो इट्स नॉट दैट इजी कि जनरलाइज कर दिया जाए कि ऐसा है और ऐसा नहीं है. कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता लाइफ में, तो खास करके इन चीजों में. मैम एक बात और पूछना चाहती हूँ मैं, जैसे पा ने कहा कि युद्ध हो रहा है, उनके भी बंदे हैं, अब ये ए के भी, ए साइड के भी बंदे हैं, बी साइड के भी बंदे हैं जी. अब वो ए साइड बी साइड को मार रहा है, युद्ध में तो यही चलेगा. तो ए साइड जब बी साइड को मार रहा है तो वो अपने बचाने के लिए तो मैम वो शस्त्र भी उठाएंगे, जो भी करेंगे, तो वो क्या है, मतलब वो क्या मैं पूछना चाह, आप समझे मैम मैं क्या पूछना चाह. इसका जवाब दोपहर वाले सेशन 33 में पा ने दे दिया है. और वैसे इस सेशन में भी था उसका जवाब, इस सेशन में भी था वो जवाब, इस सेशन में भी था. लेकिन मैम आपको एक चीज बताऊं, ये जो अब जो दो मैम रिकॉर्डिंग पे है ना ये, चलो कोई बात नहीं अभी से जल्दी खत्म करते हैं. अच्छा एक मिनट बंद कर देती हूँ मैं रिकॉर्डिंग. नहीं 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 मैम इस पार्ट को बाकी भी हो सकता है लोग जानना चाहें. रुको रुको ठीक है. देखो मैम आज के दिन में दो बहुत इंटेंस सेशन हुए हैं, आप इस चीज को समझो कि एक 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 मिनट के लिए मैम, आज के दिन में दो बहुत ही मेजर और इंटेंस सेशन हुए हैं ये. अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझाना ढंग से तो आगे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. मैं इसीलिए कह रहा हूँ सवाल तो बहुत आएंगे दिमाग में, लेकिन सेशन सुनोगे ना धीरे धीरे निकल जाएंगे अपने आप ही दिमाग से. तब परेशान मत हो जापू जी, पहले सेशन पहले वाला भी सुनो दोबारा, फिर उससे रिलेटेड यही ये उसी की आगे की चलती हुई स्टोरी है, फिर इसको समझो, तब जाके आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी. डबल टू डबल टू. अच्छा ढाई घंटे हो गए, दो घंटे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें सेशन एंड कर देना चाहिए. बाकी सबको भी खाना वाना खाना होगा. आपने भी पानी खाया. Love okay, so I am ending the recording. Bye everyone. Okay.